बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, सोर्सेज ऑफ न्यूज़, हमने पिछले लेक्चर में सोर्सेज ऑफ न्यूज़ पढ़ाया। उसके बाद मेरा ख्याल है कि कोर्स आउटलाइन की लिस्ट ऑफ टॉपिक्स में देखें तो नेक्स्ट जो है टाइप्स ऑफ लीड आता है, टाइप्स ऑफ लीड्स, और खासतौर से न्यूज़ राइटिंग वालों के लिए, न्यूज़ राइटिंग और रिपोर्टिंग जो सीख रहे हैं उनके लिए टाइप्स ऑफ लीड समझना ज़रूरी है। पिछले लेक्चर में मैंने ये कहा था कि अगर अब आप इस स्टेज पे आ करके और न्यूज़ राइटिंग और रिपोर्टिंग के आप स्टूडेंट्स हैं और इतने लेक्चर्स देखने के बाद अब आप वो कैप पहन लें, वो चश्मा लगा लें जो रिपोर्टर्स का होता है, ताकि थोड़ी सी तैयारी शुरू कर दी जाए और एंटिसिपेट करें और के रिपोर्टर्स को कैसा फील होता होगा, कैसे उसको मुख्तलिफ अपनी जॉब परफॉर्म करने में जो मुख्तलिफ उसको मसाइल तो नहीं कहेंगे, मतलब ये कि जो उसको ड्यूटीज परफॉर्म करनी पड़ती हैं, द वे ही हैज़ टू गो अबाउट हिज वर्क, द वे ही हैज़ टू बिहेव, द वे ही हैज़ टू राइट थिंग्स और कंसीव थिंग्स और टेक इंफॉर्मेशन फ्रॉम सर्टन सोर्सेस, उसको आप महसूस करना शुरू कर दें, उसको इस तरह से देखना शुरू कर दें कि एज इफ यू आर बिकमिंग ए रिपोर्टर योर सेल्फ एंड नाउ यू कैन बी इन दैट शू ऑफ ए रिपोर्टर। तो अभी आप कब रिपोर्टर होंगे, मतलब ये कि यंग रिपोर्टर होंगे, और मगर ये कि आप वो चीजें समझने लगें, उनका इदराक करने लगें, वो कौन से प्रॉब्लम्स हैं, उन चीजों को महसूस करने लगें कम से कम। और एक बहुत देखिए, अच्छा लिखने के लिए अच्छा पढ़ना बहुत जरूरी है, ये बिल्कुल आप बांध लें अपने पल्ले से और अपने दुपट्टे में और अपने जो है वो रुमाल में और अपने दिमाग में बिठा लें अच्छी तरह से कि आप उस वक्त तक अच्छे राइटर नहीं बन सकते जब तक अच्छे रीडर नहीं बनेंगे। जब आप शायरी करते हैं तो यू हैव टू रीड अदर पोइट्स, नॉट टू कॉपी देम बट टू अंडरस्टैंड के किस किन किन तरीकों से लोगों ने कहा है, और वो किसी तरह से जो है आपके जो है वो सिस्टम में, आपके दिमाग में, दरो दिमाग में, दिल में और रूह में वो बसता चला जाएगा। और उसके बाद कब वो एक आदमी का लिखा हुआ स्टाइल कब आपके अशार में खुद ढलेगा, एंड विदाउट कॉपिंग, एंड इट विल नॉट बी ए कॉपी बिकॉज यू विल बी फॉलोइंग दैट पैटर्न बट नॉट द वर्ड्स, यू विल नॉट बी रिपीटिंग द वर्ड्स बट मे बी द स्टाइल इन विच दैट सर्टन पोएट बिफोर यू प्रोसेस्ड दैट काइंड ऑफ सेंटिमेंट। तो इस तरह से जो है वो किस तरह से मतलब सिंथेसाइज होती हैं चीजें। आप वो एक दफा हम मूवी देख रहे थे तो उसमें जो है वो गांधी बता रहा था कि हम जो है वो अपने जो प्रीस्ट के पास जाते थे तो वो कुरान से भी कोट करता था, वो बाइबल से भी कोट करता था, और वो जो उनका प्रीस्ट था महात्मा गांधी का, वो बाइबल से भी कोट करता था, मुख्तलिफ किताबों से कोट करता था, और सारी की सारी हिंदू किताबें नहीं थी, कुरान से भी कोट करता था, बाइबल से भी कोट करता था। वो कब से कब, वो कैसे चीजें जो हैं वो सरायत कर गईं और कब वो लिबरल हो गए बिकॉज ऑफ दिस ऑल दिस। तो मतलब ये कि आपके चीजों को आप जब पढ़ेंगे तो आप, और आप न्यूज राइटिंग पढ़ रहे हैं और आपको अखबार बरसों हो गए नहीं देखा, ये तो कोई अच्छी बात नहीं है ना। कहना मैं ये चाह रहा हूं कि नाउ दैट यू हैव डिसाइडेड टू बिहेव एज ए रिपोर्टर और एटलीस्ट टेक ए सब्जेक्ट अबाउट रिपोर्टिंग, नाउ दैट यू हैव बीन लिस्निंग टू माई लेक्चर्स एंड नाउ यू आर रिक्वायर्ड टू एक्ट एज ए रिपोर्टर, सो एटलीस्ट बिकम फेमिलियर विद द लैंग्वेज ऑफ द न्यूज पेपर्स एंड वेबसाइट्स, न्यूज वेबसाइट्स। तो आप देखना शुरू करें, आप देखना शुरू करें कि खबरें कैसे लिखी जाती हैं, क्योंकि आपको भी लिखना होगा, कम से कम पर्चे में तो लिखना होगा ना, एग्जामिनेशन में। आप फील्ड में ना जाएं, मगर आपको बीए एमए उस वक्त तक नहीं दिया जाएगा ना जब तक आप पर्चा पास ना करें, तो पर्चा पास करने के लिए कम से कम अखबारों की शक्ल तो देखें। और फिर मैंने एक बड़ी पते की बात कही है, अगर आप समझें
अगर ना समझे तो आ गए ही दामे शुनीदम, जिस कदर चाहे बिछाए मुद्दा उनका है अपनी आलम तकरीर का, के जो सुनने वाला है वो आगे ही का दामन बिछाता है। सुनने वाला जो है यानी जो स्टूडेंट्स हैं जो इस लेक्चर को देख रहे हैं वो तय करेंगे कि वो मेरे लेक्चर से कितना इस्तेफादा कर सकते हैं। अगर दिमाग शट कर लेंगे, अपना दिमाग बंद कर लेंगे, इस वक्त कुछ और सोचेंगे तो मेरे लेक्चर देने से क्या फायदा होने वाला है। तो मतलब मैं जो मुद्दा अनका है अपनी आलम तकरीर का, गालिब ने कहा है कि मुद्दा जो है गायब हो जाता है मेरी तकरीर से अगर सुनने वाला वो दामन लेकर ना बैठा हो जिसमें कि वो समेटेगा जो कुछ मैं कहूंगा, और वो आ गई उतना ही उतनी ही दूर तक जाएगी, आ गई उतनी ही हासिल करेगा वो शख्स सुनने वाला जितना वो दामन फैलाएगा। दोबारा शेर पढ़ रहा हूं, बड़ा काम का शेर खासतौर से टीचर्स के लिए, कि आ गई दामे शुनीदन जिस कदर चाहे बिछाए, सुनने वाला शुनीदन सुनने वाला आ गई या सुनना, आ गई दामे शुनीदन जिस कदर चाहे बिछाए, वरना क्या है मुद्दा अनका है अपने आलम तकरीर का, मैं जितनी तकरीर करूंगा उसमें से मुद्दा गायब हो जाता है अगर कोई सुनने वाला ना समझने वाला ना। तो अब टाइप्स ऑफ लीड्स भी पढ़ने से पहले आप कम से कम ये समझ लें कि आपको अखबार देखने हैं, वेबसाइट्स देखने हैं, न्यूज ऑर्गेनाइजेशन देखने हैं, आपको हेल्प मिलेगी सिर्फ मेरी यानी मेरी तकरीरों से। आपको क्या मिलेगा अगर आप एक्स्ट्रा काम वो ना करें जो मैं अब बता रहा हूं कि भाई आप अखबार भी तो देखें और जो प्रोफेशनल रिपोर्टर्स लिखते हैं उस अंदाज को भी देखें ना, और उनसे भी कुछ सीखना होगा। सारा जो है वो मैं घोल के, थोड़ी आपकी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो आपको अखबार देखने चाहिए, किस अंदाज से चीजें लिखी जा रही हैं, किस अंदाज से अपना माफी जमीन बयान किया जाता है, ये आपको देखना होगा अखबारात में और वेबसाइट, वहां से भी आप सीखेंगे। हाँ टेक्स्ट बुक से तो सीखेंगे, मगर ये हर रोज जो टेक्स्ट बुक आ रहे हैं, हर रोज का जो अखबार का एडिशन आ रहा है, इसको भी तो देख लें, वहां से भी सीख लें आप। और मतलब इंस्टेड ऑफ लिविंग इन द इम्प्रेशन के सिर्फ जो है वो प्रोफेसर साहब या निजामुद्दीन साहब या जो भी हैं, ये जो हमारे टीचर हैं यही बताएंगे, आप खुद भी तो बट टीचर को भी तो क्वेश्चन करो, आप इस कैपेसिटी में हो, आ जाएं इस कैपेसिटी में, रहना चाहिए आपको इस कैपेसिटी में। जो बोले कि भाई सर ये समझ में नहीं आया, आप गलत कह रहे हैं, अखबार में तो यूं छपा हुआ था, तो हमें भी खुशी होगी कि भाई हाँ भाई पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो अगर मैंने मिस्टेक किया है तो हम एडमिट कर लेंगे, या फिर आपको समझाने की कोशिश करेंगे भाई आप थोड़ा सा अपना नजरिया तब्दील करें, तो क्योंकि ये मिस्टेक नहीं है, ये यूं कहा था इसलिए कहा था और वो यूं छपा, वो उन्होंने इस तरह से यूं छापा है इसलिए छापा है उसको इस तरीके से, और हम जो बात कर रहे थे किसी और कॉन्टेक्स्ट में कर रहे थे, मिसाल दे रहा। तो अब टाइप्स ऑफ लीड्स अगर देखें, अच्छा फिर इस कोर्स के शुरू में कहीं कहा था मैंने कि अगर इफ ओनली द राइटर्स हु आर बॉर्न एज राइटर्स आर गोइंग टू बी गुड राइटर्स देन व्हाई सो मेनी जर्नलिज्म स्कूल्स। अगर जो है वो कोई शायर जो है पैदाइशी होता है जी, मेहनत से नहीं बन सकते आप शायर, मेहनत करने के बाद आप शायर नहीं बन सकते, सिर्फ वदियत होती है, सिर्फ जो है ये वही आते हैं गैब से मदामी ख्याल में, सिर्फ अल्लाह ताला देता है, चंद लोगों को नवाजता है, चंद लोगों को नवाजता है कि वो अच्छे राइटर बनेंगे। ठीक है, तो राइटर्स आर नॉट मेड बट बॉर्न, तो भाई जर्नलिज्म स्कूल काहे के लिए, हमने जर्नलिज्म स्कूल काहे के क्यों खोले हैं, क्रिएटिव स्कूल के क्रिएटिव राइटिंग क्यों पढ़ाई जाती है, नॉवेल लिखना सिखाया जाता है भाई क्रिएटिव राइटिंग के तहत, यानी कोर्सेज कराए जाते हैं कि क्रिएटिव राइटिंग कैसे की जाए। क्रिएटिव तो हर आदमी का यूनिक है,
क्रिएटिविटी से आया मुराद है ना, तो हर आदमी के लिए यूनिक होगा, नहीं तो उसको आप पढ़ा कैसे सकते हैं 20 आदमियों की क्लास में, मगर पढ़ाते हैं। तो राइटिंग सिखाई जा सकती है, और एक टूल जो रिपोर्टिंग में सिखाई जाती है वो है टाइप्स ऑफ लीड्स, कि आप पहला पैराग्राफ कैसे लिखेंगे, ये कम से कम इस तरह से पढ़ा दिया जाए। आपको हाथ पकड़ के लिखना तो नहीं सिखाया जाएगा, मतलब वो स्टेज भी आएगा जो हम करेंगे आइंदा जा करके, खासतौर से न्यूज रिपोर्टिंग वालों के लिए, कि जिसमें कि हम आपको मतलब प्रॉब्लम दे दें, सिचुएशन दे दें, एक्सीडेंट दे दें, धमाका दे दें, और उसके बाद कहेंगे लिखो, तो एक तरह से वो होगा कि हम गाइड कर रहे होंगे आपको लेटर ऑन इन दिस, एटलीस्ट इन द न्यूज राइटिंग कोर्स, कि हम आपको प्रैक्टिकल जर्नलिज्म में, शायद प्रैक्टिकल जर्नलिज्म में उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, उसमें टॉपिक्स बदल जाएंगे, मगर न्यूज राइटिंग में तो एक्सरसाइज हमको करनी है कम से कम 5-10, ताकि आप जो एग्जामिनेशन होने वाला है उसमें अगर कोई सवाल कर ले कि भाई खबर लिख के बताओ, और सिचुएशन दे देते हैं, होता है कंटिन्यूसली में सवाल होता है ये, कि आपको सिर्फ सिचुएशन बता देते हैं और आपको फर्जी एक कहानी लिखनी होती है, अपनी फर्जी रिपोर्ट लिखनी होती है, हम उससे ज्यादा आला पाए की रिपोर्टिंग करेंगे क्लास के अंदर, मगर कम से कम इतना तो हो, जो कराची यूनिवर्सिटी वाले सवाल करते हैं वो उसका जवाब तो हम तो तैयार होना चाहिए ना, इतना तो हम कर ही सकते हैं ना, मैं और आप मिलके, यानी स्टूडेंट्स और मैं मिलके। तो टाइप्स ऑफ लीड्स बताने का मकसद ये है कि टाइप्स ऑफ लीड्स के जरिए हम स्टूडेंट्स को बताते हैं कि भाई खबर यूं लिखी जाती है, और लीड इम्पोर्टेंट क्यों समझी जाती है, लीड इसलिए इम्पोर्टेंट समझी जाती है कि ये समझा जाता। एक देखिए वो है कहावत कह लें, ईडियम कह लें, प्रोवर्ब कह लें, ईडियम तो नहीं, प्रोवर्ब, प्रोवर्ब जैसी कोई चीज है, सेइंग है कि ए जॉब वेल बिगन इज हाफ डन। एक जॉब आपने, एक काम जो आपको दिया गया है, वो अगर आपने अच्छी तरह से स्टार्ट कर लिया है तो वो ऐसा ही है जैसे कि आधा कंप्लीट कर लिया। ये हैसियत है लीड की। और इससे पहले कि मैं आपको बताऊं टाइप्स ऑफ लीड्स क्या हैं, मैं आपको फिर बताना पड़ेगा कि टाइप्स ऑफ लीड में तो फिर लीड है क्या, लीड किसको कहते हैं, और उसका क्या ताल्लुक है इस चीज से जो मैंने अभी कहा कि ए जॉब वेल बिगन इज हाफ डन। ये क्या बात हुई, ये आपने कहां से कहा? तो उसके लिए धीरे धीरे आपको थोड़ा सा बताना पड़ेगा कि सबसे पहले मुझे ये बताना पड़ेगा कि लीड होती क्या है, ठीक है? तो नेक्स्ट स्लाइड बताएगा कि लीड क्या होता है। अब देखें इसमें लिखा हुआ है, व्हाट इज लीड, एंड इसके दो स्पेलिंग्स हैं, व्हाट इज ए लीड और लीड, LEAD और LEDE। पुराने वक्तों में लीड को LEDE भी लिखते थे और LEAD भी लिखते थे, और ज्यादातर पुराने वक्त जब ये लेड का, क्योंकि LEAD जो है वो लेड प्रोनाउंस भी होता है, और लेड उस धातु को कहते हैं जिसमें कि वो उस जमाने में, अब तो सब कुछ कंप्यूटर बेस्ड है ना, उस जमाने में जो है ना धातु से और उस लेड से बाकायदा जो है वो लेटर्स, वो अखबार के और अल्फाबेट्स तैयार होते, ढाले जाते थे, तो उस लीड को, उस लीड को लेड से कंफ्यूज ना किया जाए, तो इस लीड को जो है LEDE कहते थे। तो वो ज्यादा हिस्ट्री जानने की आपको जरूरत नहीं है, मगर बहरहाल लीड जो है, जो हमारा टॉपिक है कि टाइप्स ऑफ लीड्स, इसमें दो स्पेलिंग्स इस्तेमाल होती हैं लीड्स के लिए, एक है LEADS, LEADS लीड्स, और दूसरी स्पेलिंग है LEDES लीड्स। और लीड से क्या है मुराद है, लीड से मुराद है पहला पैराग्राफ, किसी भी न्यूज रिपोर्ट का पहला पैराग्राफ लीड कहलाता है, ठीक है? और आप उर्दू अखबार जब देखेंगे तो आप ये देखेंगे और शायद चौंक जाएं कि वहां पैराग्राफ नहीं होते, उर्दू अखबारों में पैराग्राफ नहीं होते।
तो वो क्या करते हैं कि वो जुमले जो है तवातुर से लिखे जाते हैं और वो बगैर गैप के लिखे जाते हैं, और एक जुमला खत्म होता है फिर दूसरा जुमला फिर तीसरा जुमला, और कोई पैराग्राफ की सूरत नहीं है उर्दू अखबारों में। तो उर्दू अखबारों में लीड गया होगा फिर, क्योंकि अंग्रेजी अखबारों के लिए तो आपने कह दिया पहला पैराग्राफ, न्यूज रिपोर्ट का पहला पैराग्राफ या फीचर का पहला पैराग्राफ, फॉर दैट मैटर कमेंट का पहला पैराग्राफ, कॉलम का पहला पैराग्राफ लीड कहलाता है। ओके, अब उर्दू अखबारों में क्या होगा? उर्दू अखबारों में तो पैराग्राफ है ही नहीं, तो कॉलम के, उर्दू कॉलम के, सिंधी कॉलम के, सिंधी न्यूज रिपोर्ट के, सिंधी कॉलम के, सिंधी फीचर के, सिंधी उर्दू, उर्दू फीचर के, उर्दू कॉलम के, उर्दू न्यूज रिपोर्ट के, पहले दो जुमलों को लीड कह सकते हैं इत्मीनान से। यानी राइट अप आर्टिकल न्यूज रिपोर्ट कॉलम कमेंट के पहले दो जुमले, पहले तीन जुमले कर लें, चलो ये हो गया लीड। मतलब ये है कि जिस जिस अंदाज से रिपोर्ट को शुरू किया जाए उसके कई टाइप्स हैं, और हमें इस टॉपिक में, इस लेक्चर में उन टाइप्स को सीखना है। बात समझ में आई? कुछ वाजे हुई बात? टाइप्स ऑफ लीड से मतलब क्या है कि हम ये सीखना चाहते हैं एक ऐसे दौर में जहां पे कि लोग क्लेम करते हैं कि राइटर्स आर ओनली बॉर्न, दे कैन नॉट बी मेड। हम ये क्लेम कर रहे हैं कि नहीं, राइटर्स बनाए जाएंगे, रिपोर्टर्स बनाए जाएंगे, और उनको सिखाया जाएगा कि कैसे लिखा जाता है, और उनको ये जब हम बताएंगे कि किस किस अंदाज से किसी न्यूज रिपोर्ट को शुरू किया जाता है, इतने तरीके हैं और इतने तरीके हैं, और इस स्टाइल को ये कहते हैं और इस स्टाइल को ये कहते हैं, न्यूज रिपोर्ट के शुरू करने वाले पहले पैराग्राफ को इन इन अंदाज से लिखा जा सकता है और इनको ये कहते हैं। ये तो हो गया अंग्रेजी का, और उर्दू का ये हुआ कि शुरू के दो तीन जुमले किस किस तरीके से लिखे जाएंगे ये हम सिखाने जा रहे हैं। सीधी सिंपल सी बात है, न्यूज रिपोर्ट को शुरू करने के दो तीन जुमले, शुरू के दो तीन जुमले लिखने के लिए आपको किन किन मालूमात की जरूरत है और किस तरीके से वो दो तीन जुमले लिखे जाते हैं आमतौर पे अखबारों में, हमारे यहां भी और दुनिया भर में। ये हो गया उर्दू राइटर्स के लिए। दुनिया भर के देखिए, दुनिया तो सिमट गई ना इंटरनेट में, और इंटरनेट ने करीब ले, बहुत सी चीजों को करीब ले आया इंटरनेट, ठीक है ना जी। पहले तो विलेज तो आज से बहुत पहले कह दिया गया ना, ग्लोबल विलेज। इंटरनेट वगैरह के आने से तो और भी बहुत करीब आ गए ना आप, तो आप दुनिया भर के, आप न्यूयॉर्क टाइम्स यूं देखें सेकंडों में, सीएनएन देखते ही हैं, बीबीसी देखते ही हैं रोजाना, टीवी पे देखें, वेब पे देखें, और उनकी जो लिखने का अंदाज है वो भी देखें सीखें, तो स्काई इज द लिमिट। आप तो मतलब मुश्किल कोई नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे इस टॉपिक के यानी इस लेक्चर के इस हिस्से में हमको ये बताना है कि लीड होती क्या है। तो लीड की एक तो मैंने आपको डेफिनेशन बता दी कि पहला पैराग्राफ, किसी भी आर्टिकल का पहला पैराग्राफ, किसी भी न्यूज रिपोर्ट का पहला पैराग्राफ, किसी भी फीचर का पहला पैराग्राफ, उर्दू के लिए किसी भी न्यूज रिपोर्ट के दो तीन जुमले शुरू के, उर्दू रिपोर्ट को शुरू कैसे किया जाएगा, टाइप्स ऑफ लीड्स में हम ये बताते हैं। तो शुरू के दो तीन जुमले किन किन अंदाज से लिखा जा सकता है, ये टॉपिक है हमारा। और लीड से मुराद क्या है? लीड से मुराद ये है कि शुरू के दो जुमले, तीन जुमले। एक तो लीड की इंपॉर्टेंस यूं आ गई कि हाँ, लीड के लिए लीड की इंपॉर्टेंस एक तो यूं आ गई कि आपने कह दिया है जॉब वेल बिगन इज हाफ डन,
और बहुत से साथियों जिनसे अभी आप बात कर लें वो यही कहेंगे कि भाई अच्छा इंट्रो अगर आपने लिख लिया है तो आधा काम कर लिया है, और इससे क्या मुराद है, मतलब ये क्यों कहते हैं लोग। और वो जो प्रोवर्ब मैंने बताया है कि भाई ए जॉब वेल बिगन इज हाफ डन, उसका मतलब क्या है? देखिए उसका मतलब ये है, और साफी जो ये कहते हैं कि ए गुड इंट्रो इज हाफ द रिपोर्ट, राइटिंग ए गुड रिपोर्ट एज राइटिंग ए गुड रिपोर्ट, सॉरी सॉरी सॉरी, राइटिंग ए गुड लीड इज लाइक कंप्लीटिंग हाफ योर जॉब। रिपोर्ट लिखने का आधा काम उस वक्त मुकम्मल हो जाता है, तकमील पाए पाए तकमील को पहुंच जाता है, जब आप एक अच्छा इंट्रो लिख लेते हैं। उसकी वजह क्या है, उसमें भी ये एक्सप्लेन किया हुआ है। देखिए एक तो ये ए लीड और एन इंट्रो, इंट्रो भी कहलाते हैं। इंट्रो इंट्रो कहां से निकला, इंट्रोडक्शन से, कि लीड को इंट्रो भी कहते हैं। एक तो लीड की दो स्पेलिंग्स है, एक है LEAD और दूसरी है LEDE, और इंट्रो भी कहते हैं यानी इंट्रोडक्शन का शॉर्ट फॉर्म। तो इंट्रो जो है वो क्या चीज है, इज द बिगिनिंग पैराग्राफ ऑफ ए न्यूज रिपोर्ट, वो मैंने बता दिया था, ये दोबारा उसको डेफिनेशन में भी बयान किया गया है। इट इज द हार्डेस्ट पार्ट टू राइट एज इट सेट्स द टोन एंड इंट्रोड्यूसेस द रीडर टू द रेस्ट ऑफ द स्टोरी। अब ये जिन साहब ने भी ये डेफिनेशन लिखी है वो ये लिखते हैं कि ये जो इंट्रो है ये लिखना सबसे मुश्किल काम है, इसलिए कि ये तय करता है कि बाकी स्टोरी कैसे लिखी जाएगी। इससे क्या मुराद है, ये क्यों लिखा है इन्होंने, इंट्रो कैसे तय कर सकता है कि भाई इंट्रो अगर मैं कुछ और लिखूं और मेरी मर्जी है आइंदा मैं जैसे भी चाहूं लिखूं, नेक्स्ट पैराग्राफ्स इंट्रो मैंने लिखा। मगर इस आदमी ने जिसने ये डेफिनेशन लिखी है उसने ये बात सोच समझ के लिखी है, और वो ये कह रहा है कि भाई आप खुद ही पहला इंट्रो जैसा लिखेंगे आपको उसी टोन में बात करनी पड़ेगी बाकी पैराग्राफ्स में भी। मिसाल के तौर पे आपने अगर इंट्रो मजाहिया लिख दिया है तो बाकी बहुत ज्यादा सीरियस अगर आप लिखेंगे बाकी पैराग्राफ्स तो बात नहीं बनेगी कि भाई वो मजाक जो है ना ऊपर ही खत्म हो गया। या इसको इस अंदाज से देख लें कि अगर अगर आपने कहानी का एक रुख बयान किया है इंट्रो में और नीचे के पैराग्राफ्स में भी वही रुख बयान कर रहे हैं, तो फिर ये हो रहा है कि भाई आप रिपीट कर रहे हैं चीजें। तो पहला पैराग्राफ अगर आपको कहानी का एक रुख बताता है तो दूसरे रुख जो है ना आपको नीचे वाले पैराग्राफ में बताने पड़ेंगे। सेट्स द टोन का मतलब ये हुआ कि एक तो ये कि अब जैसे मिसाल के तौर पे जो टाइप्स ऑफ लीड्स में, एक लीड में आपको अभी से बता दूं, पर्चा आउट कर देता हूं अभी से बता दूं, वैसे तो ये कि बाद में बताया जाता है आमतौर पर कि अब मिसाल के तौर पर अगर आप तय करते हैं कि इस आर्टिकल को मैंने स्टार्ट करना है क्वेश्चन से, किसी सवाल से शुरू करना है, और आपने बिल्कुल तय कर लिया है कि भाई इस कौम की किस्मत के इस कौम के बच्चों में, इस कौम के बच्चों की किस्मत में यही लिखा हुआ है कि वो 12 साल की उम्र से पहले पहले मार दिए जाएं या उनको रेप कर दिया जाए, अगर आप इस किस्म का कोई जुमला लिख रहे हैं तो ऑब्वियसली वो आपने ये जुमला लिखने के बाद तय कर दिया है कि अब आपको बाकी राइटअप में, बाकी न्यूज रिपोर्ट में इस सवाल का जवाब देना है। समझ रहे हैं, ये है मुराद के भाई इट सेट्स द टोन। अगर जिस जिस अंदाज से आपने पहला पैराग्राफ लिखा है वो तय कर देगा आपकी सिम्ट, तय कर देगा मतलब, इन शॉर्ट योर फर्स्ट पैराग्राफ विल डिटरमिन द टोन एंड द डायरेक्शन यू विल टेक द रीडर इन, है ना भाई। आपको पता चल, आप पहले पैराग्राफ को जब लिखेंगे तो इसीलिए वो कह रहा है डेफिनेशन देने वाला, इसीलिए कह रहा है इस डेफिनेशन के तहत यही कह रहा है कि वो यानी इंट्रो देखने में आपको 40 वर्ड का लगता है, 50 वर्ड का लगता है, मगर उसके जो जो फंक्शंस हैं, डेफिनेशन तो हमने उसकी दे दी कि भाई वो फर्स्ट पैराग्राफ है किसी न्यूज रिपोर्ट का, मगर उसके फंक्शंस जब देखते हैं ना तो उसकी गंभीरता का पता चलता है, उसकी संजीदगी का पता चलता है कि इस इंट्रो को लिखने के लिए जो है कितनी आपको मेहनत करनी चाहिए, ये कम से कम इस सिन को सीखने के लिए, इस अंदाज़े बयां को लिखने के लिए आपको जो है ना किन किन चीजों से गुजरना
कौन कौन सी चीजें सीखनी हैं। तो उसमें यही आता है कि सेट्स ऑफ, आपने जो है ना पहला पहला पैराग्राफ जब लिख दिया, पहले कदम को आपने रख दिया जमीन पे, और आपने जब इस खाने में नहीं उस खाने में नहीं, आपने बिल्कुल सेंटर वाले खाने में पैर रखा है, तो अब आपका मतलब यह है कि मंशा यह है, रीडर आपको बोलेगा कि अच्छा ठीक है सेंटर वाले खाने में पैर रखा है, तो गालिबन सीधा ही जाएगा ये शख्स, तो डायरेक्शन भी तय कर देता है वो पहला पैराग्राफ, और आपका टोन भी तय कर देता है, और आप किस अंदाज से चीज को अप्रोच करने जा रहे हैं वो भी तय कर देता है, इसलिए पैराग्राफ को सोच समझ के लिखा जाए। तो इट्स ए टिप ऑफ ऑल्सो, इट्स ए गाइडेंस कि आपको इन तरीकों से लिखा जा सकता है, मगर साथ ही साथ ये भी बता रहे हैं कि अगर पहला पैराग्राफ पहले दो तीन जुमले इंटरेस्टिंग नहीं हुए तो रीडर उससे आगे नहीं बढ़ेगा। तो एक जिम्मेदारी आयद हो जाती है पहला पैराग्राफ लिखने से पहले ये समझने की कि पहला पैराग्राफ ऐसा है कि उसका एक फंक्शन तो है कि मेरे राइटअप के किसम तय करेगा मैं इस सब्जेक्ट को, इस इशू को जिस पर मैं लिखने जा रहा हूँ उसको कैसे अप्रोच करूंगा वो तय करेगा, पहला पैराग्राफ सबको बता देगा, आया कर देगा कि ये आइंदा की, आइंदा की जो रिपोर्ट है वो किस तरह की होगी, मगर इस सारी बात को, इस सारी चीज को जिसमें कि वो मैं ये चीजें रिवील करने जा रहा हूँ कि मेरी सिमत क्या होगी, पहले पैराग्राफ से रिवील हो रही है, मैं ये मतलब किसी इशू पे है, या ये सब जो पहले दो पैराग्राफ तीन पैराग्राफ पहले दो जुमले तीन जुमले और पहला पैराग्राफ, उससे सब कुछ आया हो जाएगा ना कि भाई आप किस इशू पे लिख, आपने कलम उठाई कलम उठाया है, तो ये बहुत सी चीजें रिवील हो जाएंगी। तो मगर ये जुम ये पैराग्राफ जो है फिर आप इस अंदाज से लिखें, आप जिम्मेदारी आयद होती है कि रीडर मायूस ना हो और वो इतने इंटरेस्टिंग अंदाज का हो पहला पैराग्राफ कि वो पढ़ने पे मजबूर हो, कम से कम दूसरा पैराग्राफ या तीसरा पैराग्राफ, दो पैराग्राफ लिखने पे पढ़ने पे मजबूर हो जाए, वो इतना इंटरेस्टिंग होना चाहिए। तो क्यों? क्योंकि उसके फंक्शंस में है, पहले पैराग्राफ के लिखने के फंक्शंस में है कि लीड का मकसद एक तो ये है कि रीडर को ड्रॉ करना है, रीडर को इनवाइट करना है कि आओ मुझे पढ़ो, मैंने कोई इंटरेस्टिंग बात कही है, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग बात करनी है आपसे, तो आए बैठे हमें पढ़ें, एक बात। दूसरी बात यह है कि वो जो भी बात आप कहना चाहते हैं वो इंटरेस्टिंग अंदाज में कहें, ऐसे अंदाज में कहें कि उसको भला लगे और वो और पढ़ना चाहे, एक पैराग्राफ ही पढ़ के, इंट्रो पढ़ गई लीड पढ़ गई मायूस ना हो जाए, ठीक है। तो पता चला कि आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात करनी थी जो कि आपने तीसरे पैराग्राफ में लिखी है, और पहला पैराग्राफ आपने जिसको कहते हैं ना कि बिल्कुल ही अनइंटरेस्टिंग बोरिंग किस्म का लिख दिया है, पहला पैराग्राफ बोरिंग कर दिया है, बहुत इंटरेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं आप तीसरे पैराग्राफ में चौथे पैराग्राफ में, तो आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात की है, बहुत कौम की पते के लिए बात कर रहे हैं आप, मगर वो इस बोरिंग अंदाज में कर दिया है, और पहला पैराग्राफ इत्तफाक से ऐसा डल निकला के पढ़ने वाले को दिलचस्पी महसूस नहीं की और वो दूसरे पैराग्राफ से लौट गया और वो किसी और आइटम को पढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो मतलब अच्छी खासी रिपोर्ट को बर्बाद कर दिया आपने, यूं कर लें यूं समझ लें, जो बात उसको चौथे तीसरे पैराग्राफ से में इंटरेस्टिंग लगती वो अगर आप पहले पैराग्राफ में महसूस बता देते उसको इंटरेस्टिंग अंदाज में, तो शायद वो जाता नहीं आपको छोड़ के। इसीलिए लीड सीखना जरूरी है और लीड के टाइप सीखना जरूरी है, आपको क्लियर कट अंदाज में होना चाहिए। रिपोर्टर अगर आप आधे बन गए हैं या बनना चाहते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे किस किस अंदाज से चीजों को बयान करना है, और ज्यादातर किस अंदाज से चीजों को लिखा जाता है हमारे अखबारों में। अब आप तय करेंगे कि हमारे अखबारों में ज्यादातर किस अंदाज से लिखा जाता है, तो आप ज्यादातर अंदाज इख्तियार करने वालों के साथ हो जाएंगे या आप बिल्कुल ही डिफरेंट लिखने वालों के साथ हो जाएंगे, ये आपको तय करना है। जो चीज ज्यादा मकबूल है आप वो सिर्फ इख्तियार करेंगे या बिल्कुल उसके ऑपोजिट चलेंगे, ये आप पे मुनसिर है, मगर उसके लिए फिर आपको स्किल उसी तरह का इख्तियार करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो पहले तो ये डेफिनेशन वगैरह समझ लें कि लीड होती क्या है।
अच्छा, एक तो इन्होंने ये कहा कि लीड और एन इंट्रो इज द बिगिनिंग पैराग्राफ, न्यूज रिपोर्ट का पहला पैराग्राफ है, और उर्दू अखबारों के लिए पहले दो जुमले। इट इज द हार्डेस्ट पार्ट, बहुत मुश्किल से ये वाला पार्ट लिखा जाता है, इसलिए कि ये टोन भी सेट करता है और डायरेक्शन भी बताता है कि अब मैं अगले, तो ये सोच समझ के लिखना होगा। ए गुड लीड पेंट्स ए विविड पिक्चर ऑफ द स्टोरी विद ए फ्यू वर्ड्स। ए गुड लीड पेंट्स ए विविड पिक्चर ऑफ द स्टोरी विद ए फ्यू वर्ड्स। कम अल्फाज के साथ एक बड़ी तस्वीर जो है वो पेंट करने का नाम है अच्छा लीड का लिखना। कम अल्फाज के साथ, अल्फाज कम इस्तेमाल होंगे मगर फिर भी एक जाज़िब नज़र तस्वीर रीडर के जहन में आ जाएगी उन चंद अल्फाज की वजह से, और स्टोरी जो है वो अच्छी तरह से उसके सामने आ जाएगी। चंद अल्फाज में ही समझा सकते हैं आप। ये एक तो ये हो गया लीड का तरीका, लीड के बारे में एक तो। अच्छा, ये जो है ये बॉब वुडवर्ड का दूसरा पैराग्राफ लिखा हुआ है। ए लीड इज द फर्स्ट सेंटेंस और ओपनिंग पैराग्राफ है न्यूज स्टोरी, ये तो मैंने बता दिया था, ऊपर भी ऐसे ही है। ए लीड इज द फर्स्ट सेंटेंस और ओपनिंग पैराग्राफ ऑफ ए न्यूज रिपोर्ट दैट इमीडिएटली ग्रैब्स द रीडर्स अटेंशन, कि फौरन जो है वो अच्छा, अगर मतलब इन्होंने लिखा ये है कि लीड वो है जो कि रीडर का अटेंशन ग्रैब करता है। तो अच्छा, ये बार बार जब ये बताते हैं कि पहले पैराग्राफ में रीडर का अटेंशन ग्रैब करो, रीडर का अटेंशन ग्रैब करो, क्या मकसद क्या है इसका? ये आप देखेंगे कि लीड की राइटिंग में जब भी ये बार बार सिखाया जाता है, ये चीज बार बार बताई जाती है कि रीडर का अटेंशन ग्रैब करो पहले पैराग्राफ में। ये क्यों क्यों जरूरी है? दूसरी सिंफ जिस अंदाज से, जैसे अब इंक्वायरी कमीशन है वो रिपोर्ट लिखता है, अब बचपन से स्कूलों में जो रिपोर्ट सबमिट करते रहे किस अंदाज में लिखते हैं? इंट्रोडक्शन कभी बहुत ज्यादा एक्साइटिंग आपने लिखा? ठीक है, लिखा होगा, यानी स्कूल में जो रिपोर्ट, मिसाल के तौर पर कायदे आज़म के जिंदगी के बारे में, आप अल्लामा इकबाल के बारे में, अल्लामा इकबाल के कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में आप रिपोर्ट लिखे, तो क्या करेंगे आप? उनकी वो स्टार्ट करते हैं आमतौर पर, वो ही वॉज बॉर्न इन 1898 या ऐसा कुछ, कायदे आज़म के बारे में, मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना मोहम्मद अली, एम ए जिना और मौलाना मोहम्मद अली जौहर, ये लोग तकरीबन एक ही जमाने में, लेट 1800s की पैदाइश है, ठीक है ना? तो मौलाना मोहम्मद अली जौहर का भी बहुत जल्दी इंतकाल हो गया, एम ए जिना का भी हो गया, मौलाना मोहम्मद अली जौहर का तो बहुत ही पहले हो गया, पाकिस्तान बनने से पहले ही, तो ठीक है। तो ये लगभग तकरीबन एक ही एज के थे मेरा ख्याल है। अच्छा, 12, तो आप स्टार्ट करते हैं, आप मौलाना मोहम्मद अली जौहर पे आपको लिखने के लिए कहा आपको स्कूल में, बचपन से आप जिस अंदाज की राइटिंग करते चले आ रहे हैं वो बता रहा हूँ। तो आपने जनाब अली लिखा कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर वॉज बॉर्न इन 1898 इन फला फला टाउन ऑफ यूपी, हिज मदर वॉज कॉल्ड बी अम्मा, सो ऑन सो फोर्थ, बचपन के हालात लिखेंगे, उसके बाद अब्बा जी का जल्दी इंतकाल हो गया था, एंड सो इट इज ट्रू फॉर, फिर आप मतलब फिर आप लिखेंगे कि वो अलीगढ़ भी गए, अलीगढ़ में जाके उन्होंने जनाब अली, अलीगढ़ को बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते थे, या इख्तलाफ था अलीगढ़ मुसलमानों के लिए, उस वक्त तो इंस्टीट्यूशन था बहुत बड़ा जो है ना, वो मुसलमानों का गढ़ माना जाता था, और कायदे आज़म ने इस बात को एक्नॉलेज किया है कि बहुत कंट्रीब्यूशन है, और उन्होंने अपनी वसीयत का बहुत बड़ा हिस्सा जो है अलीगढ़ को भी दिया, और उसके बाद इस्लामिया यूनिवर्सिटी पेशावर को भी दिया, एम ए जिना साहब की बात को भी। तो मौलाना मोहम्मद अली जौहर को अलीगढ़ बहुत ज्यादा पसंद नहीं था, तो मतलब मजहबी जो है, खैर
मतलब उनकी उनकी जो जिंदगी है वो आप बयान करेंगे, उसके बाद करते 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 आखिर में जा करके स्टार्ट तो उनकी बॉर्न, ही वॉज बॉर्न इन फला फला शहर इन 1898 और समथिंग, तो आप स्टार्ट तो इस तरह से करते हैं। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि एकेडमिक राइटिंग हम जो बचपन से करते चले आए हैं या आप जो बचपन से करते चले आए हैं, वो पहले किसी सब्जेक्ट की हिस्ट्री लिखेंगे, फिर जनाब अली उसका सेंटर लिखेंगे, फिर रिसर्च प्रॉब्लम लिखेंगे और आखिर में रिसर्च लिखेंगे और आखिर में कंक्लूजन लिखेंगे। कंक्लूजन हमेशा आखिर में लिखा जाता है, ऐसे ही होता है एकेडमिक राइटिंग में, कंक्लूजन आखिर में लिखा जाता है। रिपोर्ट राइटिंग में ऐसा नहीं है, रिपोर्ट राइटिंग में कहते हैं कि भाई पहला पैराग्राफ इंटरेस्टिंग बनाने का है, तो पहला पैराग्राफ इंटरेस्टिंग कैसे होगा? तो आप देखेंगे कि हाँ, अगर अगर जिस तरीके से आप इंट्रो आपको सिखाया जा रहा है और जिस तरीके से आपको इंट्रो बताया जा रहा है, उस तरीके से आप इंट्रो लिखेंगे। और वो जो मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं उसमें हो सकता है एक टेक्निक ये भी हो कि भाई फाइंडिंग पहले लिखो, कंक्लूजन इस रिपोर्ट का कौन पढ़ेगा? न्यूज रिपोर्ट है ये, न्यूज रिपोर्ट में सबसे इंपॉर्टेंट बात सबसे पहले की जाती है ताकि रीडर जो है वो शुरू में ही उसको पता चला कि भाई क्या है। तो एक स्टाइल राइटिंग का ये है जो हम आगे तफसील में और सीखेंगे, एक स्टाइल राइटिंग का न्यूज रिपोर्टिंग में ये है कि भाई जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो पहले कर लो, इंट्रो में कर लो, इसलिए कि इंट्रो की जिम्मेदारी एक ये भी है कि रीडर को ग्रैब कर लेना अटेंशन उसका, रीडर का। रीडर को बोरिंग बातें नहीं करो लीडर के साथ कि मौलाना मौलवी जो 1898 में पैदा हुए थे और उनकी अम्मा का ये नाम था ना, ये एकेडमिक राइटिंग में होता है, रिपोर्ट राइटिंग में ऐसे नहीं होगा। रिपोर्ट राइटिंग में कैसे होगा, फर्स्ट पैराग्राफ कैसे लिखा जाएगा, वो ये तो हम बता रहे हैं। तो एक तरीका ये है कि अभी हम आपको ये बता रहे हैं कि एकेडमिक राइटिंग से डिफरेंट है ये राइटिंग। और बहुत सारे किसी और लेक्चर में मैंने कहा था कि ये अखबारों में कई कई सिंफ असनाफ से फायदा उठा करके कई कई असनाफ में लिखा जा रहा है, कॉलम लिखने का एक तरीका। हाँ, कॉलम लिखने का तरीका ये है और कमेंट लिखने का तरीका ये है कि कंक्लूजन नीचे होगा जैसे कि रिसर्च रिपोर्ट में एकेडमिक राइटिंग में हम करते हैं, मगर न्यूज में आपको चीज शुरू में बता दी जाएगी इंपॉर्टेंट बातें, क्योंकि रिवील करने का मामला है, छुपाने का मामला नहीं है, और रिसर्च मेथोडोलॉजी भी बताने का मामला नहीं। यहाँ रिसर्च मेथोडोलॉजी नहीं बताया जाएगा कि पहले आपको ये बताया कि भाई प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद रिसर्च मेथोडोलॉजी बताया जाए, फिर आपको सैंपल साइज बताया जाए, फिर बताया कि सर्वे कैसे किया जी, या फोकस ग्रुप कैसे बनाया, ये सारी चीजें बताने के बाद आखिर में जाकर के आपने कंक्लूजन किया है। न्यूज राइटिंग इस तरीके से नहीं की जाती, इसलिए कि उसको जो है वो रीडर जो है उसको आधे घंटे में जो है ना छह न्यूज आइटम पढ़ने हैं कम से कम, बल्कि ज्यादा भी पढ़ता होगा। अगर उसको सिर्फ फर्स्ट पैराग्राफ, वो फर्स्ट अखबार का फर्स्ट पेज ही देखना है तो चार पांच आइटम तो उसको वहां पढ़ने हैं ना, फिर वो बैक पेज भी अगर देखता है तो वो पांच छह वहां पढ़ने हैं उसको, तो वो आप जो है वो हर हर आइटम के कंक्लूजन में थोड़ी जाएगा वो, समझ रहे हैं? तो इस तरीके से मुख्तलिफ अंदाज में न्यूज पेश की जाएगी। तो न्यूज पेश करने से पहले कैची तरीका, ऐसा तरीका जो रीडर को अच्छा लगे, जिसमें कि रीडर का इंटरेस्ट बढ़े, जिसमें कि वो रीडर पढ़ना चाहे ज्यादा से ज्यादा, हेडलाइन भी उसकी अटेंशन ग्रैब करने के लिए होती है, इंट्रो भी होती है, इंट्रो जो है और या ये कि लीड जो है वो उसकी इंटरेस्टिंग होगी तब वो आगे बढ़ेगा ना, वरना उसका इंटरेस्ट वहीं खत्म हो जाएगा तो वो छोड़ देगा, बोलेगा कि भाई ये खबर जो है इतनी इंटरेस्टिंग नहीं है, लेट्स मूव टू अदर न्यूज रिपोर्ट बिकॉज आई हैव नो टाइम, आई हैव वेरी फ्यू टाइम। तो अच्छा, लीड इज द फर्स्ट सेंटेंस और ओपनिंग पैराग्राफ ऑफ न्यूज रिपोर्टिंग दैट इमीडिएटली न्यूज स्टोरी दैट इमीडिएटली ग्रैब्स द रीडर्स अटेंशन। This introductory section provides a statement, establishes a scenario, or sets up a question that the body of the news article will address.
by supplying the relevant supporting information. ये जो पहले वाले पैराग्राफ में था कि it sets the tone, उसी चीज को यानी पहला पैराग्राफ सेट कर देगा वो लहजा, वो अंदाज जिसमें के बाकी पैराग्राफ्स लिखे जाएंगे. उसी चीज को उसने कहा है इस वाले राइटर ने यानी बॉब वुडवर्ड ने, दिस इंट्रोडक्टरी सेक्शन प्रोवाइड्स ए स्टेटमेंट, establishes a scenario और sets up a question that the body of the news article will address by supplying the relevant supporting information. कि body of the text का मतलब ये है, body of the text का मतलब ये है कि बाकी paragraphs, intro को छोड़ के, lead को छोड़ के, तो news report के बाकी paragraphs उन चीजों को supply करेंगे या उन सब उन चीजों को एड्रेस करेंगे जो कि पहले पैराग्राफ में जिन मसाइल को उठाया गया था. अगर क्वेश्चन किया गया था तो उस क्वेश्चन का मोस्ट प्रोबेबली जवाब दिया जाएगा और फिर डिस्कशन को आगे लेके जाएंगे. दूसरे पहले पैराग्राफ में क्वेश्चन है, दूसरे पैराग्राफ में मिसाल के तौर पे मजीद क्वेश्चन है, उसके बाद तीसरे पैराग्राफ से फिर वो आंसर देना शुरू किया उन क्वेश्चन का जो कि पहले दो पैराग्राफ में उठाए गए. तो एक तो राइटिंग का तरीका ये हो गया और इंट्रो ने लीड ने सेट कर दिया टोन बाय पुटिंग अप ए क्वेश्चन. अच्छा फिर एक लिखने का अंदाज यह है कि आपने एक सिनेरियो खड़ा किया, आपने एक सीन क्रिएट किया और वो सीन कैसे खड़े किए जाएंगे वो भी हम बताएंगे आपको. मिसाल के तौर पे आपने एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, बॉम्ब ब्लास्ट के बाद का मंजर आपने जो है ना डिस्क्राइब कर दिया है पहले पैराग्राफ. आपने मुख्तलिफ टेक्निक्स इस्तेमाल करके डिस्क्रिप्टिव लीड है या स्टेकेटो लीड है या एनेक्डोटल लीड है, आपने एक सिनेरियो क्रिएट किया है अपने फर्स्ट पैराग्राफ में, वो सीन क्रिएट किया है जो धमाके के बाद का है, उसको रिक्रिएट किया है अपने अल्फाज में और अब आपको नेक्स्ट पैराग्राफ्स में एक्सप्लेन करना होगा कि भाई ये क्या था, ये सीन ऐसा क्यों हो गया था, क्यों गाड़ियां उल्टी पड़ी थी, क्यों शीशे टूटे हुए थे, क्यों धुआं उठ रहा था और क्यों दो बच्चों के लाशें खून में लथपथ थे. ठीक है, तो फर्स्ट पैराग्राफ में आपने अगर सीन क्रिएट किया है और उसमें ये सब चीजें बताई कि धुआं उठ रहा था, गाड़ियां तबाह हाल थी, दो बच्चों के लाशें गाड़ियों से बाहर फिके पड़े थे और ये मैंने मंजर कल रात देखा. ठीक है, ये तो आपका इंट्रो है, मिसाल है, मिसाल दे रहा हूं. अब आपको एक्सप्लेन करना होगा दूसरे पैराग्राफ के बाद और तीसरे पैराग्राफ में और चौथे पैराग्राफ में और पांचवें पैराग्राफ में आपको एक्सप्लेन करना होगा कि ये मंजर क्यों ऐसा हुआ, ऐसा वाकया क्यों हुआ, क्या है? क्या किसी ने धमाका किया है, किसी ने बॉम्ब रखा है या खुद कुछ बम्बार भी है या गैस सिलेंडर का ब्लास्ट है या बॉम्ब का ब्लास्ट है या किसी की दानिश्ता हरकत है, किसी की गलती से हुआ है, सब एक्सप्लेन करना होगा दूसरे पैराग्राफ्स में और तीसरे पैराग्राफ में और चौथे पैराग्राफ. ये है, इसीलिए वो कह रहे हैं कि भाई पहला पैराग्राफ टोन सेट करता है. सो नॉट ओनली इज इट हाफ द जॉब डन, ए गुड इंट्रो इज नॉट जस्ट एविडेंस दैट यू हैव डन हाफ योर जॉब बट ऑल्सो सेट्स द टोन फॉर द रेस्ट ऑफ द न्यूज आइटम. वो आपको भी फिर बता भी रहा है साथ में कि ये इंट्रो जो है वो अब मुतकाजी है आपका कि आप बाकी पैराग्राफ कैसे लिखेंगे. ठीक है, इसी को आखिर में दोबारा लिख दिया गया है, इट इज ऑफन सेट that when you have written a good intro lead, you have completed half your job as a reporter. A job well begun is half done. ठीक हो गया. तो लीड जो है वो लीड को अब इससे पहले कि हम टाइप्स ऑफ लीड्स पढ़ें ये जानना जरूरी था कि लीड किसको कहते हैं. तो फिर दोहरा रहा हूं कि लीड जो है वो अंग्रेजी लिखने वालों के लिए लीड इज द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ ए न्यूज रिपोर्ट और एनी आर्टिकल, चाहे वो कॉलम हो चाहे कॉमेंट हो, पहला पैराग्राफ उसको लीड कहते हैं.
और इसकी अहमियत इसलिए है कि ये रीडर का अटेंशन ग्रैब करता है, इंटरेस्टिंग होगा तो रीडर वहां रुकेगा, अदरवाइज ही विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज आइटम, न्यूज रिपोर्ट। इंटरेस्टिंग होगा तो वहां पे जो है ना रीडर्स जो है वो रुकेंगे और उसको पढ़ेंगे, एक बात। दूसरी बात यह है कि इट विल सेट द टोन फॉर द रेस्ट ऑफ द पैराग्राफ्स कमिंग इन दैट रिपोर्ट। ठीक है, डायरेक्शन तय करता है वो। फर्स्ट पैराग्राफ आपने जिस अंदाज में लिखा है वो आपको मतलब मजबूर कर देता है कि अब दूसरे पैराग्राफ जो है वो अब आपको इस अंदाज में लिखना है। ठीक है, आई होप कि ये यहां तक आप बात समझ गए हैं। अब थोड़ी और तफसील, मेन फंक्शंस ऑफ ए लीड काफी हद तक तो बता चुका हूं। द मेन एम ऑफ द लीड इज टू इंट्रोड्यूस द स्टोरी। कहानी क्या है, आप आज किस बात पे लिखना चाहते हैं, कौन सा आपका मेन टॉपिक है? इज इट एन एक्सीडेंट, इज इट ए स्पीच, इज इट ए बजट, इज इट द बजट। ये सारी चीजें आप पहले पैराग्राफ में रीडर को बता देंगे, क्योंकि जब पहला पैराग्राफ जिस इशू से मुताल्लिक है वही रिपोर्ट लिख रहे हैं ना भाई। आप ठीक है, तो एक तो ये हो गया। एवरी राइटर वॉन्ट्स हिज फर्स्ट पैराग्राफ टू ड्रॉ इन एज मैनी रीडर्स एज पॉसिबल, देयर फोर द पैराग्राफ शुड बी ए वेरी इंटरेस्टिंग वन। इंटरेस्टिंग अंदाज में लिखना है। देखिए, मुख्तलिफ छोटी छोटी बातों को मतलब ये कि आपको जो चीज रूटीन लगती है ना उसको भी इंटरेस्टिंग अंदाज में पेश करने का मतलब तरीके सीखने होंगे आपको, अगर आपको अच्छा रिपोर्टर बनना है। अगर आपको ऐसे देखिए, आपका आपको अपना रिपोर्ट जो है ना सिर्फ ये कि रीडर्स को वो सेल करना है या रीडर्स को इम्प्रेस करना है अपनी राइटिंग से, बल्कि सब एडिटर्स को भी इम्प्रेस करना है। आपको अपने एडिटर्स को भी इम्प्रेस करना है कि उसकी अहमियत को समझें वो, जो भी आपने लिखा है अगर उसको डल अंदाज में लिखेंगे तो वो तो फिर उठा करके कहीं पेज नंबर 20 पे डाल देगा सब एडिटर आपका, या आपका एडिटर जो है, आपका इंचार्ज जो है। अगर आप वो इंटरेस्टिंग अंदाज में लिखेंगे तो हो सकता है पेज वन पे रखे या बैक पेज पे रखे, कहीं तो रखेगा। अगर इंटरेस्टिंग अंदाज में लिखा गया तो वो कोई प्रोमिनेंट जगह पे रखेगा ना। अगर आप डल अंदाज में लिखेंगे, फर्स्ट पैराग्राफ जो है ना उसे लगता ही नहीं है, फर्स्ट पैराग्राफ इतना गुपचुप है, इतना गुमसुम है कि वो लगता ही नहीं कि ये कोई इंपॉर्टेंट खबर है, तो फर्स्ट पैराग्राफ के बाद उसको जो है वो रोजाना सैकड़ों स्टोरीज देखनी है आपके बॉस को, शिफ्ट इंचार्ज को, या तो वो अगर बोरिंग बोरिंग चीजें ही देखता रहेगा तो वो तो मजीद बोर होगा, तो वो आपकी चीज को जो है ना वो उस अहमियत नहीं देगा अगर वो इंटरेस्टिंग अंदाज में लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, तो वो एक तो ये कि रीडर का अटेंशन ग्रैब करने से पहले आपको सब एडिटर का अटेंशन ग्रैब करना है। तो इंटरेस्टिंग अंदाज में लिखोगे तो एवरी राइटर वॉन्ट्स हिज फर्स्ट पैराग्राफ टू ड्रॉ इन एज मैनी रीडर्स एज पॉसिबल, इट सेट्स द टोन। ये हम बता चुके हैं। द टाइप ऑफ लीड चोजन फॉर ए पर्टिकुलर आर्टिकल रिपोर्ट विल गवर्न हाउ द रेस्ट ऑफ द आइटम विल बी रिटन। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया कि अगर वो पहला वाला पैराग्राफ क्वेश्चन का है तो रेस्ट ऑफ द आइटम विल डील विद कि भाई इस सवाल का क्या जवाब है। इसी को लिखा है, फॉर इंस्टेंस इफ यू स्टार्ट ए राइटअप विद अ क्वेश्चन, ए फेयरली लार्ज पोर्शन ऑफ द रेस्ट ऑफ योर आर्टिकल विल बी अबाउट द पॉसिबल आंसर्स टू दैट क्वेश्चन। अच्छा, मोर ऑफन देन नॉट लीड मेंशंस द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द स्टोरी। एक कहानी है, बड़ी तवील तफसील तलब कहानी है, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो आम तौर पे लीड में लिखा जाता है। और एक बात याद रखिए कि लीड को क्रोनोलॉजिकली लिखने की कोशिश नहीं करें आप, लीड क्रोनोलॉजिकली लिखने की कोशिश ना करें आप, लीड को तबाह कर देंगे अगर आप क्रोनोलॉजिकली लिखेंगे। नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट उस कहानी का वो इंट्रो में लिखा जाएगा, चाहे वो आखिर में हुआ है या पहले में हुआ है या कहानी के दरमियान में हुआ, समझ रहे हैं? क्रोनोलॉजी का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। हालांकि बचपन, ये क्यों मैं बता रहा हूँ, ये बता यही रहा हूँ, इसके बचपन से हमको जो सिखाया जाता है वो क्रोनोलॉजी के लिए लिखना सिखाया जाता है। पहले आपको हिस्ट्री लिखना है, मौलाना मोहम्मद अली जौहर वाज बॉर्न इन,
आगरा इन 1989 या 1898 या 1878, वहां से हिस्ट्री हम उनके बॉन्ड से शुरू करते हैं और कंक्लूजन तक आते हैं, और बीच में जो है ना 4 पेज होते हैं। नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपको इंट्रो में देना है, और क्रोनोलॉजी का इससे कोई लेना देना नहीं है कि आपने पूरी क्रोनोलॉजी देनी है कि नहीं। इवन इन ऑब्चुरी आप कभी कभी क्रोनोलॉजी नहीं देते, यानी क्रोनोलॉजी हो सकता है ऑब्चुरी लिखने का अंदाज, यानी किसी का इंतकाल हो गया और उनके मरने के बाद जो ऑब्चुरी लिखी जाती है, उसमें भी कभी कभी कुछ राइटर्स ऐसे क्रिएटिव हैं कि वो पूरी जिंदगी हो सकता है बॉन्ड का लिखे हैं, फिर वो हो सकता है कि बहुत सारा पोर्शन स्किप कर दें। हिस्ट्री थोड़ी लिखी जा रही है, आर्टिकल लिखा जा रहा है किसी की मौत का, मौत के बारे में या किसी की जिंदगी के बारे में। आपने देखा है कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर की पहले जो है ना वो ये लिखा जाए कि भाई बॉन्ड कब हुए थे, फिर स्कूल कहाँ गए थे, फिर स्कूल की जिंदगी के हालात, फिर कॉलेज की जिंदगी के हालात। जरूरी तो नहीं है कि सब हर स्टेज पे जितनी भी एजुकेशन उन्होंने हासिल की हर स्टेज का जो है लिखा जाए कि भाई, बहुत सारे एरिया स्किप कर दिए जाते हैं और सिर्फ इम्पोर्टेंट बातें बात की जाती हैं, ठीक है ना। तो इससे मुराद ये है कि वो नहीं उस तरह की राइटिंग है कि आपने स्टेप बाय से, हिस्ट्री बुक थोड़ी है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द स्टोरी विल बी इन द लीड, तो क्रोनोलॉजी का इससे कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा, टाइप्स ऑफ लीड्स, जर्नलिस्ट एंड स्कॉलर्स हैव ओवर द इयर्स सजेस्टेड डजन्स ऑफ वेज। अगर आप सर्च करना शुरू करें इंटरनेट के ऊपर, तो आपको डजन्स अंदाज, दर्जनों अंदाज ऐसे नजर आएंगे जिसमें कि वो कहते हैं कि भाई, किसी ने कहा कि भाई वेन वेन लीड भी होती है। वेन लीड ये है कि सिर्फ आपको बता देता हूँ, हु लीड भी होती है इन थियोरेटिकली, और वो मैंने इसमें इसमें लिखा है, ये जो स्लाइड है इसमें मैंने लिखा है कि भाई थियोरेटिकली तो हर रिपोर्टर जो है वो अपने अंदाज में, नए अंदाज में लिख ले, तो जितने रिपोर्टर हैं उतने अंदाज हो सकते हैं, थियोरेटिकली तो कम से कम हो सकते हैं, मगर ऐसा होता नहीं है। मगर समझाने के लिए कि भाई जितने मतलब अनगिनत अंदाज में रिपोर्टिंग की जा सकती है, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि दर्जनों अंदाज में रिपोर्टर्स जो है ना अपनी कहानी लिख सकते हैं, मगर उसमें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट, ज्यादा रेलेवेंट आपको लगता है, आपको चुनना पड़ता है ना भाई। अब दर्जनों अंदाज में, दर्जनों अंदाज कैसे सिखाएगा कोई कि भाई राइटिंग के दर्जनों अंदाज। जो ज्यादातर हमारे यहाँ इस्तेमाल होते हैं या दुनिया भर में इस्तेमाल होते हैं वही अंदाज पढ़ाए जाएंगे, सही है ना। तो इसमें ये कहने के भाई, मैंने ये लिखा है इस स्लाइड में कि भाई थियोरेटिकली तो जितने रिपोर्टर हैं उतने अंदाज हो सकते हैं मुमकिना तौर पर, मगर ऐसा होता तो नहीं है। हाउएवर देयर आर ओनली ए हैंडफुल दैट आर ओरिजिनल एंड डिस्टिंक्ट, के गिने चुने हैं जो कि डिस्टिंक्ट भी हैं, ओरिजिनल भी हैं, दूसरों से मुमताज भी हैं, डिस्टिंक्ट और ओरिजिनल भी हैं अपने अंदाज में, थॉट प्रोसेस में वो ओरिजिनल अंदाज में बात को कहने का तरीका है। दीज आर द वंस दैट नीड टू बी स्टडीड इन दिस कोर्स, वी विल लर्न इन सम डिटेल अबाउट सेवन लीड्स। सेवन लीड्स कौन से हैं जो हम पढ़ना चाहते हैं। हाँ, एक चीज मैंने बताई थी कि कभी एक जगह मैंने पढ़ा, ये स्लाइड्स वगैरह देख रहे थे और वेब पे भी देख रहे थे कि भाई लीड्स को, जब मैंने पढ़ा था कि भाई लीड्स को कैसे लिखा जाएगा, समझाया जाएगा स्टूडेंट्स को, तो उस वक्त जो है वो टेक्स्ट बुक वगैरह भी देख, तो उसमें जो है ना वो ये रहते, कभी एक वेबसाइट थी उसका नाम तो मुझे याद नहीं है, वो कहते थे कि जितने डब्ल्यूज हैं, डब्ल्यूज और एच, उन सब की लीड बन सकती है, तो वेन लीड भी बन सकती है। वेन लीड का मतलब क्या हुआ कि ये वाक्य कब हुआ उसके ऊपर एम्फेसिस अगर हो तो ये वेन लीड है, और क्या हुआ, व्हाट लीड, व्हाट, तो व्हाट लीड भी है। डब्ल्यू डॉट एच अभी हमको पढ़ाना बाकी है, डब्ल्यू डॉट एच जब हम पढ़ाएंगे
तो आप ये डब्ल्यू सारे पढ़ेंगे और एच पढ़ेंगे, और ये उर्दू में तो काफ होते हैं, क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ है? तो ये जो काफ हैं सारे के सारे, इनकी भी लीडें हैं, कौन लीड, क्या लीड, मतलब कौन लीड में मतलब हु, मुतासिरीन कौन थे या मुतासिर करने वाले लोग कौन थे, मुतासिर शुदा या मुतासिरीन या मुतासिर करने वाले, हु भी एक लीड हो सकती है भाई, एक लीड हो सकता है, यानी फर्स्ट पैराग्राफ हो सकता है किसी न्यूज रिपोर्ट का, जिसमें के सारा वक्त इस पे सर्च किया जाए कि इस वाक्य के मरकजी किरदार जो थे वो क्या थे, कौन थे, और वैन लीड भी होती है कि भाई ये जो ये वाकया जो इस वक्त पेश आया तो ये वैन का वैन की इम्पोर्टेंस क्या है, ऐसा भी हो सकता है। तो इन सब लीड्स को सब मिला लिया जाए तो वो तो दर्जनों लीड्स बन जाती है। तो इंस्टेड ऑफ टीचिंग यू दर्जनों लीड्स, यानी इंस्टेड ऑफ टीचिंग यू डजंस ऑफ लीड्स, आई थॉट के आई विल टीच जस्ट 7 लीड्स और काफी एरिया कवर हो जाएगा, और ये कि ये ओरिजिनल ऑथेंटिक तरीके हैं लीड लिखने के, ये तरीके अगर आप सीख लें तो आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप कमेंट में भी लीड्स लिखने का तरीका इस्तेमाल कर लें, न्यूज रिपोर्ट में भी कर लें। और क्यों कि जो हम लीड्स पढ़ा रहे हैं इनमें दो लीड्स ऐसी हैं जो कि 99% हमारा काम पूरा कर देती हैं। मतलब ये है कि हमारे राइटर्स पाकिस्तान में जो रिपोर्टर्स हैं वो आमतौर पे दो ही लीड इस्तेमाल करते हैं, तीसरी लीड इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पेश आती उनको, यानी तीसरे अंदाज में फर्स्ट पैराग्राफ लिखें इन दो स्टाइल से हटके, वो कभी कभार ही शाजो नादरी ऐसा होगा कि वो लिखेंगे अपनी जिंदगी में, पूरी एंटायर करियर में दो ही टाइप की लीड लिखते हैं वो। अब मैं बताऊंगा कौन सी लीड्स हैं, दो ही टाइप की लीड सीखते भी दो ही टाइप की लीड हैं, उसी के साथ ओढ़ना बिछोना, उसी के बाद जिंदगी गुजार देते हैं। 25 साल के रिपोर्टिंग के करियर के बाद पता चलता है कि उनको दो ही लीड लिखनी आती है, दो ही टाइप की लीड लिखनी आती है, और वो कमेंटेटर कभी बने नहीं, उससे पहले रिटायर हो गए, या ये के मतलब जल्दी रिटायर नहीं हुए मगर ये कि आखिरी वक्त तक रिपोर्टिंग ही करते रहे और कमेंट लिखा ही नहीं सारी जिंदगी, और कॉलम भी नहीं लिखते थे क्योंकि उसमें दिलचस्पी नहीं रखते थे। तो इसलिए जो है वो इस तरह के 7 जो वो हैं, 7 तरीके हैं, इसका मतलब ये हुआ कि वो 7 तरीके क्या हैं जिससे के ओपनिंग पैराग्राफ किसी न्यूज रिपोर्ट का या 2-3 जुमले किसी रिपोर्ट के शुरू में जो लिखे जाएंगे तो वो कैसे लिखे जाएंगे। तो ये 7 लीड्स जो हैं वो उनके नाम हैं, समरी जिसको स्ट्रेट लीड भी कहते हैं, कोटेशन और स्टेटमेंट लीड, क्वेश्चन लीड, एनेक्डोटल लीड, स्टैकेटो लीड, कंट्रास्ट और कंपैरिजन लीड, डिस्क्रिप्टिव लीड। अच्छा, ये जो सारे नाम हैं ये नाम भी एक्सप्लेन करते हैं कि कौन सा मतलब कौन सा लीड जो है किस टाइप का होगा, कौन सा किस टाइप का होगा। जैसे कोटेशन लीड अपने नाम में ही वो मतलब बता देता है, नाम से ही पता चल जाता है कि इससे मुराद क्या होगी। क्वेश्चन लीड नाम से पता चल जाता है कि इसमें क्वेश्चन होगा। एनेक्डोटल लीड मतलब किसी एनेक्डोट से स्टार्ट करेंगे, मतलब ये थोड़ा बहुत तो ये इसके नाम बता देते हैं। स्टैकेटो लीड वो मैं समझा दूंगा। कंट्रास्ट और कंपैरिजन लीड ये है कि भाई नाम से ही पता चल रहा है कि किसी चीज़ का कंपैरिजन है या कंट्रास्ट है। डिस्क्रिप्टिव लीड किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब करने वाली बात है। अच्छा, कैसे कैसे ये इनका नाम ये पढ़ा, और समरी लीड और स्ट्रेट लीड का क्या मतलब है, किस तरह से लिखा जाता है, यही चीज़ है जो अगर आप थोड़ा सा माइंडसेट रिपोर्टर्स का समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा जैसे मैंने कहा कि ऐनक जो है रिपोर्टर के अंदाज की लगा लें, या ये कि टोपी जो है वो पहन लें, या वो जो फ्लैग जैकेट वो जो जैकेट पहनते हैं रिपोर्टर्स आमतौर पे खाकी कलर का, वो सब पहनना शुरू करें,
तो ये मतलब ये कि उस माइंडसेट में, जरूरी नहीं कि ये सब चीजें करें आप एक्चुअली कि आप कैप वाली लेके आए, बल्कि उस चीज को समझने की कोशिश करें, उसकी रूह को जानने की कोशिश करें, उस चीज को थोड़ा और तफसील से समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये राइटिंग जो है ना वो ऐसे कैसे होती है और वो कैसे, वो वाली राइटिंग जो है ना वो डिफरेंट कैसे है। तो ये 7 नाम हो गए। उसके बाद अब ये देखेंगे समरी और स्ट्रेट लीड क्या होता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लीड। मोस्ट इंपॉर्टेंट लीड क्यों कह रहा हूं, क्योंकि हर रिपोर्टर को ये वाली लीड सीखनी है। यानी रिपोर्टिंग अगर आपको पाकिस्तान में करनी है तो ये वाली लीड सीखनी होगी, इसके बगैर चारा नहीं है, आपका गुजारा नहीं है। ये लीड आपको सीखनी ही सीखनी है। और जैसे कि नाम इसका जाहिर करता है, समरी और स्ट्रेट लीड, मतलब ये स्ट्रेट लीड है। इसमें कोई चालाकी, कोई जो है वो जुगलबंदी, कोई तरकीब का इस्तेमाल ऐसा नहीं है। समराइज कर दिया है, जितना भी इंफॉर्मेशन आपके पास है उसको समराइज करके पहले पैराग्राफ में लिख दें। ये है समरी लीड। जितनी भी इंफॉर्मेशन है, मैं कह रहा हूं, अगर अगर कोरोना से मुताल्लिक आपको आज 3-4 टाइप की चीजें मिलती हैं, ठीक है, आपको पता चला कि री इन्फेक्शन भी होती है, मिसाल दे रहा हूँ, री इन्फेक्शन होता है, यानी कोई आदमी बीमार पड़ा, कोरोना से ठीक हो गया, फिर वो दोबारा बीमार पड़ सकता है। हालांकि आमतौर पे ये समझा जाता है कि नहीं पड़ा जाता, पड़ता है वो बीमार। आपको री इन्फेक्शन के बारे में पता चला, आपको टोटल नंबर ऑफ कोरोना केसेस आज जो डिटेक्ट हुए हैं वो पता चले, और फिर साथ में ये भी पता चला कि वो जो पिछला वाला कल तक का जो फिगर था वो गलत था। ये 3 मेजर इंफॉर्मेशन आपको कोरोना के बारे में मिली है। ये तमाम इंफॉर्मेशन जो है ना आपके पास मौजूद है, आपके डेटाबेस में है या कहीं पे डायरी में लिखा हुआ है या आपके सर में है। ऑब्वियसली डायरी में भी कहीं पे नोट्स तो लेते हैं ना, हर रिपोर्टर लेता है नोट्स, वरना भूल जाएगा। बहुत ज्यादा आपने मेमोरी को याद करेगा तो फिगर्स तो कम से कम भूल जाएगा ना, तो उसको नोट्स लेना चाहिए। वो नोट्स में कहीं लिखा हुआ है या ये कि उसके खाका उसके जहन में है कि आज मुझे 3 मेजर चीजें पता चली हैं, कि कल तक की फिगर्स गलत थी, आज की फिगर जो नए केसेस डिटेक्ट हुए हैं वो और नए अमवात जो हुई हैं वो मेरे पास सही आ गई है, कल तक की फिगर गलत थी। और साथ में ये भी है री इन्फेक्शन का मामला, कि वो लोग जो कि एक दफा बीमार पड़ते हैं दोबारा बीमार पड़ सकते हैं, और ये मुझे रीडर को समझाना है। तो अब आपके पास इन तीनों इंफॉर्मेशन को समराइज करके वो पहले पैराग्राफ में लिखने की कोशिश करेगा, इसको कहेंगे समरी लीड। या दूसरा तरीका इसका यह है कि आप किसी एक पॉइंट को उठा लें और उसको समराइज करके पहले पैराग्राफ में लिख दें। बेहतर तो यही होगा कि तीनों जितनी भी इंफॉर्मेशन है आपके पास, क्योंकि आपने खबर में बारी बारी जो है ना वो इंफॉर्मेशन देनी है, तो आपका, क्योंकि आप समरी लीड लिख रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि वो तमाम इन्फॉर्मेशन, मतलब फर्स्ट पैराग्राफ को पढ़ के रीडर को ये पता होना चाहिए कि भाई ये समराइज इसने इस तरीके से किया, इसका मतलब ये है कि इस खबर में ये चीजें हैं, उसमें ये भी है कि कल तक की खबर गलत थी, आज नया डिटेक्शन कितने कितने केसेस का हो गया है, नए डेथ्स कितने हुए हैं 24 घंटे में, और ये कि री इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो ये एक लिखने का तरीका है, इसको समरी लीड कहते हैं, ठीक है। तो ये समरी लीड है और ये बहुत कॉमन होता है और हमारे अक्सर खबरों में ये इस्तेमाल होता है, और मैं बड़े बिना बिला खौफ तरदीद जिसको कह सकते हैं, विदाउट एनी फियर ऑफ कंट्रडिक्शन, आई कैन असर्ट दैट एवरी रिपोर्टर हैज टू लर्न दिस टाइप ऑफ राइटिंग, ही हैज टू डू दिस टाइप ऑफ राइटिंग ऑल द टाइम, एवरी रिपोर्टर हैज टू लर्न दिस लीड, टाइप ऑफ लीड कॉल्ड समरी लीड और स्ट्रेट लीड। स्ट्रेट लीड भी कहते हैं, और इसमें डब्ल्यू और एच का इस्तेमाल होता है सबका, डब्ल्यू और एच हम जब बताएंगे तो आप मजीद समझ जाएंगे इस चीज को, कि वो लीड जो बिल्कुल स्ट्रेट है, वाकये को समराइज कर दिया है, वाकया है या कई वाकयात हैं उन सबको समराइज करके, इन शॉर्ट वॉट एवर इंफॉर्मेशन यू हैव यू समराइज दैट एंड पुट इन द फर्स्ट पैराग्राफ। दिस इज वन वे ऑफ राइटिंग ए न्यूज रिपोर्ट।
एंड द मोस्ट कॉमन वे। ठीक हो गया। और स्लाइड में क्या लिखा है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लीड विच मीन्स दैट ऑल द रिपोर्टर्स हैव टू लर्न दिस टाइप ऑफ राइटिंग। इन दिस लीड द रिपोर्टर समराइजेस द मेन इंफॉर्मेशन अबाउट द इवेंट इशू ही हैज कलेक्टेड। दिस इज नॉट टू डिफिकल्ट टू लर्न बिकॉज यू हैव टू सिंपली पुट इन द फर्स्ट पैराग्राफ द जिस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन यू हैव। इसको लिखना आसान है मगर ये क्या कुछ थोड़ा बहुत सीखना पड़ता है। मतलब ये कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है आपके पास उसका जिस्ट आपको पहले पैराग्राफ में लिखना है। ये है पैगाम, समरी लीड लिखने का ये तरीका है। शुरू में जब सिखाने बैठते हैं ना, जब हम एक्सरसाइजेस देते हैं, तो मेरा एक्सपीरियंस आखिरी पिछले 10 साल का 8 साल का ये है कि कई स्टूडेंट्स जो कि बचपन से क्रोनोलॉजिकल अंदाज में लिखते चले आए हैं, पहले जो चीज़ पहले हुई है पहले वो लिखेंगे, फिर उसके बाद जो चीज़ हुई है उसको लिखेंगे, फिर उसके बाद जो चीज़ हुई है उसको लिखेंगे, उसकी वजह से वो समराइज नहीं कर पाते हैं। या ये कि सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट अगर कहानी के शुरू में नहीं है, मतलब ये कि जब भी आपने माफी चाहता हूं, अगर आप मिसाल के तौर पे आपने जो है दिन का आगाज किया एज ए रिपोर्टर, दिन का आगाज किया तो शुरू में जो चीज मिली, आखिर में जो चीज मिली और दरमियान में जो दोपहर में जो चीज मिली और उन सबको आप समराइज करने बैठे हैं, तो वो मतलब हो सकता है आपका जो है ना टेंडेंसी हो कि भाई जो सुबह जो चीज मिली थी वो पहले लिखेंगे, फिर दूसरी, फिर दोपहर में जो चीज मिली उसको उसके बारे में लिखेंगे। फिर ऐसा नहीं होता है रिपोर्टिंग में। रिपोर्टिंग में ये होता है कि बिकॉज यू आर सपोज टू ग्रैब द अटेंशन ऑफ द रीडर एंड लीड बाय नेचर इज नोन एज अ डिवाइस विच ग्रैब्स द रीडर्स अटेंशन, तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज पहले देनी होगी। कोई एक्सीडेंट होता है, मिसाल दे रहा हूँ, कोई एक्सीडेंट होता है तो एक्सीडेंट में तो जनाब अली लोग जो है ना, पैसेंजर जो है ना, वो तो बसों में चढ़ेंगे पहले, फिर उसके बाद बस जो है आगे बढ़ेगी, फिर वो पता चला कि वो सदर से गुजरेगी, फिर पता चला कि केमाड़ी के पास पहुंच के उसका एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट के बाद भी कुछ वाकयात हो रहे हैं, हैं? वो उसको अस्पताल लेके गए जख्मियों को, तो वहां नेग्लिजेंस का वाकया पेश आया, और उसके बाद जनाब अली दो आदमियों की जान चली गई। तो इस पूरे वाकये में समराइज करेंगे तो आप क्या करेंगे, बॉटम लाइन क्या निकल के आएगी, इस पर गौर करने की जरूरत है, और वो लिखने की जरूरत है इंस्टेड ऑफ राइटिंग के बस पे चढ़े, फिर वो जनाब बस जो है वो केमाड़ी पहुंची सदर से गुजरती हुई, और फिर उसका एक्सीडेंट हुआ, और उसके बाद दो जख्मी हुए, उन दो जख्मियों को जब अस्पताल लेके गए, और दो जख्मियों को अस्पताल जब लेके गए तो वहां नेग्लिजेंस का वाकया पेश आया कि भाई डॉक्टर्स थे ही नहीं, कोई भी अस्पताल था उसका नाम लिख लीजिए, ठीक है, वहां नेग्लिजेंस का वाकया पेश आता है, उसके बाद इंतकाल हो गया। बॉटम लाइन क्या है, रीडर क्या लिखे, तो सॉरी राइटर क्या लिखे, रिपोर्टर क्या लिखे, बॉटम लाइन ये है कि नेग्लिजेंस की वजह से दो आदमियों की जान गई, तो ये लिखा जाएगा पहले पैराग्राफ में, इसको कहते हैं समरी लीड। समझ रहे हैं, पूरे वाक्य का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, या अगर देखे ना आप, जैसे मिसाल के तौर पे आप वो रिपोर्टिंग करके और ये जो एक्सीडेंट का वाकया है रिपोर्ट करके आप जो है घर पहुंच गए, और रिपोर्ट आपने लिखी जैसे भी लिखी, आपने क्रोनोलॉजी का अंदाज में लिखी, जिस अंदाज में भी लिखी, आप कब रिपोर्टर हैं, आप अभी सीख ही रहे हैं रिपोर्टिंग, आप सीख ही रहे हैं, और आपने जिस अंदाज में लिखा उसको थोड़ी देर के लिए भूल जाए, मगर आप घर पहुंचते हैं, आपकी वालदा आपके सामने खाना रखती हैं और उसके बाद कहती हैं क्या हुआ दिन भर, ऐसे ही दिलजोई के लिए, या बच्चे का अहवाल पूछने के लिए, उसके मामलात को समझने के लिए, उससे हमदर्दी जताने के लिए, हाँ भाई दिन भर क्या कैसा गुजरा तुम्हारा दिन, तो वो जब एक्सीडेंट को बयान करेगा तो कैसे बयान करेगा, दैट इज योर समरी लीड।
कहेगा अरे भाई एक्सीडेंट हो गया, उसमें दो दो बच्चे खाम होगा नाहक मारे गए डॉक्टरों की गफलत की वजह से. नाउ दिस इज योर लीड एंड दिस इज हाउ यू राइट समरी लीड. बात समझ में आई कि अगर आंख बंद करें आप बोलेंगे अच्छा ठीक है ये तो इतना लंबा चौड़ा वाकया हुआ है और इसमें मिसाल के तौर पे थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट कर लें वाकई, एक थोड़ा सा और कहानी में ट्विस्ट डाल लें है? और कहानी में मैं तो एग्जाम्पल के तौर पे समझाने के लिए टूल दे रहा हूँ कहानी को कि आप जनाब लिए एक्सीडेंट के बाद जो है वो पहले तो आप वो लाश उठा करके थाने पहुंच गए, वो भाई थाने क्यों भेजा है, अस्पताल क्यों नहीं भेजते है? तो वो अस्पताल लेके वो तो वो, मतलब मिसाल दे रहा हूं मैं, ऐसा होता नहीं है मगर मिसाल दे रहा हूं कि अगर लॉ ऐसा हो कि वो जनाब अली पहले वो मतलब SHO देखेगा जख्मी को, उसके बाद SHO इजाजत देगा तो अस्पताल, वो पुलिस स्टेशन के रास्ते बरास्ता पुलिस स्टेशन जब वो अस्पताल पहुंचा तो उसका दम खत्म निकल चुका था. तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे कि लॉ में सुकुम की वजह से और पुलिस वालों के इसरार पे कि वो लॉ को फॉलो ही करेंगे और वो जनाब अली डॉक्टरों की गफलत की वजह से एक बच्चे की दो बच्चों की नाहक जान गई, आप ये लिखेंगे. ये समरी लीड है. पूरे वाकये को आपने दर्जा बर दर्जा जैसे जैसे पेश आया वैसे तो नहीं बयान कर रहे हैं आप, बॉटम लाइन लिख रहे हैं, समरी लिख रहे हैं तो समरी लीड ही है. मेरा ख्याल है कि कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा आपके कि भाई लीड कैसे लिखी जाती है. लीड का मतलब क्या है? फर्स्ट पैराग्राफ. फर्स्ट पैराग्राफ कैसे लिखा जाएगा? फर्स्ट पैराग्राफ ये लिखा जाएगा कि जो उसकी जो हासिले कलाम है कहानी का जो सेंट्रल आइडिया है वो बयान कर देंगे आप पहली पैराग्राफ में. ये सेंट्रल समरी लीड है. एक दूसरे लिखने का अंदाज, एक दूसरी लीड लिखने का अंदाज यह है कि क्या हमारे बच्चे है? क्या हमारे बच्चे इसी तरह से ट्रैफिक हादसा ट्रैफिक के हादसात में अपनी जानें देते रहेंगे? ये क्वेश्चन लीड हो गया. मगर समरी लीड क्या है वो थोड़ा बहुत मैंने बयान किया आपको. और किसी का अगर जरखेज़ ज़हन है तो इससे ज्यादा अच्छा लिख सकता है तो वो किसी और अंदाज से लिखेगा कि मतलब कवानीन में सुकुम और पुलिस वालों का इसरार के वो इस सुकमजदा कानून पर सख्ती से अमल करेंगे, वो आज दो दो जाने ले गया, उसको अब फ्लावरी अंदाज में कैसे लिखा जाएगा? मतलब लिखना आपको यही है कि कानून में सुकुम था, उसको पुलिस स्टेशन भी लेके गए, उसके बाद उसको खामोखा जो है फिर बाद में पुलिस स्टेशन खामोखा लेके गए, उसके बाद वो जब तक वो अस्पताल पहुंचे तो दम निकल चुका था. इस चीज को कई अंदाज से लिखा जा सकता है मगर बॉटम लाइन तो यही है ना कि खामोखा उसको पुलिस स्टेशन लेके गए, या ये कॉम्प्लिकेशन नहीं थी और वो पुलिस स्टेशन नहीं गया, सीधा डायरेक्टर वहां गया मगर वहां कोई वो नहीं, मरीज को देखने वाला कोई नहीं था उस अस्पताल में. तो आप क्या कहेंगे कि उस अस्पताल में क्योंकि कोई वो डॉक्टर नहीं था इसलिए उसका इंतकाल हो गया, तो ये समरी लीड हो गई. या अस्पताल में लोग मौजूद थे मगर गाफिल थे, वो कह रहे थे पहले खाना खा लें, या डायग्नोसिस में उन्होंने कोई गलती की है, तो वो कहानी को सीधा अंदाज से लिखा जाएगा. ठीक है, कहानी को मैं कहानी को अच्छा ये भी नहीं है कि कहानी को खामखा का जबरदस्ती जूसी बनाया जाए, उसमें आमेजिश की जाए कुछ, उसको जूसी बनाने के लिए उसको जो है ना तड़का लगाया जाए, बिल्कुल नहीं, वो सब करने की जरूरत नहीं है. कहानी अगर इंटरेस्टिंग है तो इंटरेस्टिंग हो जाएगी खुद ही. ठीक है, पुट डिफरेंटली इन दिस स्टाइल ऑफ राइटिंग द रीडर इज गिवन द समरी ऑफ द इंसिडेंट, समरी ऑफ द इंसिडेंट रिपोर्ट और इन्वेस्टिगेशन एटसेट्रा अप फ्रंट फॉर एन ही
वाकये के सेंट्रल आइडिया को रिपोर्टर के सामने पेश कर दिया जाएगा। अब अगर वो किसी यूनाइटेड नेशंस के रिपोर्ट पे लिखा जा रहा है, आप जो न्यूज रिपोर्ट लिख रहे हैं, वो यूनाइटेड नेशंस ने कोई रिपोर्ट जारी की है उसके ऊपर एक खबर बन लिख रहे हैं आप, तो वो जो यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट है उसका जो सेंट्रल आइडिया है उसके ऊपर आप लिखेंगे इंट्रो। फर्स्ट पैराग्राफ में आप मेंशन करेंगे कि वो जो यूनाइटेड नेशंस ने आज रिपोर्ट जारी की है उसका सेंट्रल आइडिया क्या है, वो आप मेंशन करेंगे। या कोई अगर वाकया है तो उसका सेंट्रल सेंट्रल आइडिया क्या है, क्या हम बात तो नहीं हो गई, खुदा ना खास्ता लोग जख्मी हो गए हैं, जख्मी और अम्बात मिला करके वो आप इंट्रो में लिखेंगे। नेग्लिजेंस है तो वो भी लिख देंगे। दिस लीड इंट्रोड्यूसेस द मेन इश्यूज इन्वॉल्व टू द रीडर इन अ रादर स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर। स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर में आप बता रहे हैं, मगर राइटर ने जितनी स्किल इस्तेमाल किए हैं, देखिए बात तो डायरेक्ट तरीके से उसको बतानी चाहिए, इसलिए कि स्ट्रेट लीड है, ये समरी लीड है, उसको समराइज करके वाकई के सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट समराइज करके रीडर को समझा दिया जाए। मगर इस सारे मामले में टेक्निक तो सिंपल है, स्ट्रेट है, मगर आपका अल्फाज का चुनाव, आपका स्किल, आपकी वोकैबलरी, आप किस अंदाज से किस बात को किस अंदाज से कहते हैं, ये क्रिएटिविटी आपके ऊपर है और इसका इंसार आप पर है। ओवर द इयर्स शुरू में भी हो सकता है क्रिएटिव, अगर आप बॉर्न क्रिएटिव हैं और उस बात में सदाकत है कि राइटर्स आर बॉर्न, तो ठीक है, होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स लिखने बैठते हैं तो किसी एक का राइटअप ज्यादा अच्छा निकल के आता है इसलिए कि वो क्रिएटिव है। ये लड़की क्रिएटिव है, वो लड़का कम क्रिएटिव है, या वो लड़का जो है अच्छा है और ये लड़की कमजोर है, तो ये होता है। मगर समरी लीड में ये है कि जो सेंट्रल आइडिया है वो मनोन बयान कर देना है आपको पहले पैराग्राफ, और 40 से लेकर के 60 60 अल्फाज का एक एक वो होगा, आप क्रिएटिविटी आप उन्हीं अल्फाज में अगर दिखा सकें तो बहुत अच्छा, और वही एक रिपोर्टर को दूसरे से मुमताज करेगा जो इतनी क्रिएटिविटी का इजहार होगा। और कितना अच्छे तरीके से अपने माफी जमीर को, मतलब अंदाज तो वही होगा कि इतने लोग मर गए और इतने लोग बच गए और इतने लोग जख्मी हुए, मगर उसी चीज को किस अंदाज में पेश करते हैं, किन अल्फाज में पेश करते हैं, किस क्रिएटिव अंदाज में। तो एक्सीडेंट अगर है तो इसी तरह का होगा ना भाई, उसमें तो आप ज्यादातर समरी लीड में अगर अम्बात हुई है तो अम्बात ही लिखी जाएंगी, वरना बॉटम लाइन क्या है, बॉटम लाइन तो यही है ना कि कुछ लोग मर गए और कुछ लोग जख्मी हो गए और ये वाकया पेश आया था नेग्लिजेंस की वजह से, क्योंकि पहिया निकल गया गाड़ी का, मिसाल दे रहा हूं। तो इसलिए जो है ना, ये है समरी लीड और या स्ट्रेट लीड के समराइज करके बयान कर दें पूरे वाकये को। दिस लीड इंट्रोड्यूसेस द मेन इश्यूज इन्वॉल्व टू द रीडर इन रादर स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर। ऑब्वियसली द राइटर इज फ्री टू यूज ऑल द टूल्स एंड स्किल्स एट हिज कमांड टू फॉर्मुलेट ए ग्रिपिंग एंड नोट वर्दी पैराग्राफ। एक ऐसा पैराग्राफ जो कि बहुत ही ग्रिपिंग हो, बहुत ही लोगों को मजबूर करते पढ़ने के लिए और अब लोग तारीफ करते किए बगैर ना रह सकें, वो डिपेंड करता है आपकी स्किल के ऊपर। टू लर्न दिस स्टाइल ऑफ राइटिंग वन हैज टू फॉरगो द टेंडेंसी टू राइट अबाउट इवेंट्स इन ए क्रोनोलॉजिकल मैनर। क्रोनोलॉजिकल मैनर में नहीं लिखेंगे आप, ये आपको भूलना पड़ेगा। अच्छा, फिर एक तरीका और भी है कि वो कुछ राइटर्स जो कि आइंदा भी मैंने अगले स्लाइड में भी एग्जाम्पल दिया है। अच्छा नहीं, अगले स्लाइड में तो अगले स्लाइड में से आगे वाले स्लाइड में। अच्छा, एग्जाम्पल्स ऑफ अ समरी या स्ट्रेट लीड, एग्जाम्पल्स दे दें आपको। अच्छा, प्रैक्टिस हम करेंगे यानी एक्सरसाइजेस हम करेंगे जिसमें कि समरी लीड लिखेंगे, आइंदा जाके प्रेस रिलीजेस दे दूंगा या कोई वाकयात में समझा दूंगा जिसमें कि आपको समरी लीड लिखनी होगी, वो हम एक्सरसाइजेस बाद में करेंगे, खासतौर से न्यूज राइटिंग में करेंगे, प्रैक्टिकल जर्नलिज्म में नहीं। विद द इमरजेंस ऑफ नियरली 4,000 न्यू केसेस इस्लामाबाद, इस्लामाबाद डेडलाइन है ये, यानी इस्लामाबाद में रिपोर्टर ने इस्लामाबाद से ये खबर लिखी है। इस्लामाबाद, विद द इमरजेंस ऑफ नियरली 4,000 न्यू केसेस द नेशन वाइड टैली ऑफ कोविड 19 पेशेंट्स टॉप्ड 2,000
200,000 ऑन सैटरडे, सैटरडे की खबर है भाई। इस्लामाबाद, विद द इमरजेंस ऑफ नियरली 4,000 न्यू केसेस, द नेशन वाइड टैली ऑफ कोविड 19 पेशेंट्स स्टॉप 200,000 ऑन सैटरडे, while 44% of them fully recovered 4 months after the country recorded its first case on February 26 this year. Daily Express Tribune, June 28, Saturday की खबर है, नहीं June 28 Sunday की खबर है, और Saturday को ये खबर लिखी गई क्योंकि अखबार की है तो इसमें, ठीक है। तो ये इसमें देखें, वो यही कहा है कि नए केसेस जो हैं नियरली 4,000 न्यू केसेस, यानी पिछले 24 घंटों में 4,000 न्यू केसेस डिस्कवर हुए हैं और सामने आए हैं, डिटेक्ट हुए हैं। तो नेशन वाइड टैली ऑफ कोविड 19 पेशेंट स्टॉप्ड 2 लाख, और टोटल वाकयात इन्फेक्शन के जो फरवरी 26 से लेके अब तक हुए हैं वो 2 लाख हो गए। 2 लाख लोगों में इन्फेक्शन ये हुआ, 2 लाख लोग इन्फेक्ट हुए, और जिसमें से 44% लोग रिकवर कर चुके हैं 4 महीने। ये समरी लीड है, अच्छी खासी समरी लीड है, बहुत अच्छे। डेली एक्सप्रेस ट्रिब्यून, एक्सप्रेस ट्रिब्यून में छपा था ये June 28 को। अच्छा, इसी दिन डेली डॉन में बैक पेज पे एक खबर छपी थी, और वो ही क्या थी, ये भी समरी लीड है। 2 employees ऑफ अफगानिस्तान्स ह्यूमन राइट्स बॉडी वर किल्ड इन ए बॉम्ब अटैक इन काबुल ऑन सैटरडे, द एजेंसी सेड। एजेंसी कौन सी, यही वाली ह्यूमन राइट्स बॉडी, अफगानिस्तान की ह्यूमन राइट्स कमीशन। अब इसका ह्यूमन राइट्स कमीशन का पूरा नाम जो है ना, ये सेकंड पैराग्राफ में है, जो मैंने लिखा नहीं। कहने का मतलब यह है कि ये भी समराइज करके बताया गया है कि देखें, वो जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है जिसमें कि वो दो काबुल में ही अफगानिस्तान के ह्यूमन राइट्स बॉडी के 2 अहलकार जान से गए, उनकी बॉम्बिंग में काफी तफसीलात दी जा सकती थी, मगर ये कि समरी लीड बनाने के लिए उन्होंने सिर्फ ये कहा कि ह्यूमन राइट्स के 2 एक्टिविस्ट, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट नहीं बल्कि मुलाजिम, जो कि मुलाजिम थे अफगानिस्तान के ह्यूमन राइट्स बॉडी के, वो शहीद हो गए एक बॉम्ब ब्लास्ट। शहीद का भी लफ्ज नहीं है, सैड है, वो किल्ड है। 2 employees ऑफ अफगानिस्तान्स ह्यूमन राइट्स बॉडी वर किल्ड इन ए बॉम्ब अटैक इन काबुल ऑन सैटरडे। बिल्कुल सिंपल है, और ये वाकया ऐसा है कि उसको मतलब बहुत ज्यादा जूसी बनाने की जरूरत भी नहीं है। वाकया इटसेल्फ सिंपल अल्फाज में लिख दिया गया है, और वाकया इटसेल्फ भी इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग भी है, ट्रेजिक भी है। इंटरेस्टिंग का मतलब ये है कि लोग पढ़ना चाहेंगे, उसको महजूज नहीं होंगे उससे, मगर ये कि पढ़ना चाहेंगे। इंटरेस्टिंग इन मानों का, इन मानों में इंटरेस्टिंग है कि लोग उसके बारे में जानना चाहेंगे कि कौन लोग मारे गए। तो ये समरी लीड की 2 एग्जाम्पल्स हैं, सिंपल सी हैं। अब जी अगला स्लाइड क्या है देखते हैं। कोटेशन और स्टेटमेंट लीड, देखिए कोटेशन लीड का तो अक्सर तो आपने ये देखा होगा कि बुक चैप्टर स्टार्ट होता है, चैप्टर के शुरू में पुरानी आयात लिखी हुई है, या अल्लामा इकबाल का एक नज्म लिखा हुआ है, नज्म नहीं, नज्म के 2 अशआर, एक कता, या जॉर्ज वाशिंगटन का कुछ कहा हुआ, वो आइंस्टाइन का कुछ कहा, और वो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, आइंस्टाइन ने ये कहा, नहीं आइंस्टाइन ब्रैकेट में लिखा हुआ। ठीक है, तो ये जो है ना कि ये मतलब चैप्टर के शुरू में कोटेशन दे दें, और क्योंकि वो चैप्टर जो है उस बात से मुताल्लिक है तो बड़ा मौजू है कि भाई वो, और बड़ा अच्छा लगता है कि भाई पढ़े लिखे किसी आदमी का, स्कॉलर का, किसी समझदार आदमी का, विजनरी आदमी का कुछ अच्छी बात, समझदारी की बात वो आप टॉप पे लिख दें, और वो इंस्पिरेशन के तौर पे वहां रहे हो। तो ये तो हो गया कोटेशन कि भाई आप जो कहते हैं ना कि अखवाल-ए-ज़र्री से आपने स्टार्ट किया, टॉप पे अखवाल-ए-मिस्ज़र्री नहीं, अखवाल-ए-ज़र्री, कोटेशंस, कोटेबल कोट्स। कोटेशन
कोटेबल कोट्स जो कि मशहूर कोट्स हैं वो आपने जो है वो चैप्टर के शुरू में स्टार्ट, इससे जो है वो जर्नलिस्टों ने ये नतीजा अर्ज किया कि एक एक टाइप ऑफ राइटिंग हो सकती है जिसमें कोई स्पीच किसी ने दी, प्राइम मिनिस्टर इमरान हैं, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ थे, उन्होंने कोई स्पीच दी, या जरदारी साहब हैं, या ये कि वो बड़ा मशहूर हुआ, डिग्री डिग्री होती है असली होकर जाली, है ना, तो वो विद इन कोट्स उसी से स्टार्ट करें। यानी कोटेशन बुक चैप्टर्स को स्टार्ट करते हैं कोटेशन से, तो न्यूज रिपोर्ट को कोटेशन से क्यों ना स्टार्ट करें। तो ठीक है, अब जिना साहब की कोटेशन तो न्यूज रिपोर्ट में नहीं आएगी ना, इंट्रो में नहीं आएगी, वैसे आ सकती है, इंट्रो में इसलिए आने का इम्कान कम है कि अगर अगर हाँ अगर कोई हमारा जाना माना लीडर जो है और मशहूर लीडर जो है वो कायदे आज़म को मिसकोट करे तो शायद आप उसको इंट्रो में दे देंगे उसके कोटेशन जो है ना, जब वो गलत अल्फाज में वो रिपोर्ट आप जो है ना वो पेश कर देंगे कि भाई उन्होंने ये कहा, कायदे आज़म ने तो ऐसा कहा नहीं कभी, ईमान इत्तेहाद तंजीम की जगह वो कुछ और तीन टर्म्स ले आए और कहें आई डोंट नो, वावड़ा वावड़ा ऐसा ही हरकत कर सकता है, या कोई मिनिस्टर हैं जो कि बिल्कुल गाउदी से हैं, उन्होंने ईमान इत्तेहाद तंजीम का हुलिया बिगाड़ दिया और कुछ और तीन टर्म्स बयान कर दिया और कहा कि कायदे आज़म ने ये कहा था, तो वो कोटेशन के तौर पे आप मन मन पेश कर दें कि वावड़ा साहब ये फला गाउदी मिनिस्टर जो है वो ये कह रहा है, कायदे आज़म ने ये कहा, कायदे आज़म ने ऐसा कभी नहीं कहा। तो डायरेक्ट कोट, डायरेक्ट कोटेशन से स्टार्ट कर दिया जाए और कोटेशन मार्क्स में स्टार्ट करें, और समरी लीड, ये लीड लीड की नौयत ये है कि लीड आपको उस कोटेशन से स्टार्ट करनी है। अब तो इसका मतलब ये हुआ कि जो स्पीचेस है, प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसमें अगर वो रईसानी साहब जो चीफ मिनिस्टर थे बलोचिस्तान के, वो मार्कतुल आरा, उन्होंने जो जुमला कहा था कि डिग्री डिग्री होती है चाहे असली हो कि नकली, और बीच उस कंट्रोवर्सी के कह रहे थे वो ये बात जब डिग्रीज वेरीफाई की जा रही थी, कजिया ये था, मतलब वाकया ये था कि लोग कहते थे कि मुशर्रफ साहब ने ये जो क्लॉज लिखा है कि कम से कम एमएनए एमपीए यानी ग्रेजुएट तो हो, तो लोग जो हैं वो जाली डिग्रियां बना बना के असेंबली में पहुंच रहे थे, तो फिर एक शोरो गोगा उठा और उसमें कहा गया कि भाई वेरीफाई करो, उस कंट्रोवर्सी के बीच में वेरीफाई करें, और वेरीफाई कौन करें, तो वो बात आई कि भाई वो जुडिशरी करेगी यानी अदलिया, अदलिया अब हर एमएनए एमपीए का डिग्री चेक करेगी कि इन्होंने जो है जो डिग्री पेश की है वो असली है कि नकली है। उस कंट्रोवर्सी के बीच में ये बयान दे रहे हैं रईसानी साहब, असलम रईसानी, चीफ मिनिस्टर बलोचिस्तान, कि डिग्री डिग्री होती है चाहे असली हो कि नकली हो। तो उस दिन अगर रिपोर्टर सेंस ऑफ ह्यूमर उसका अच्छा होता तो वो ये कोटेशन लिख देता और कहता डिग्री डिग्री होती है चाहे असली हो कि नकली हो। उस दिन हमें तो याद नहीं है कि वो किस तरीके से जो है वो इस बात को, मगर टीवी में जब था टीवी में ये जो कहते हैं ना साउंड बाइट बहुत मशहूर हुआ और बहुत दिनों चलाया हुआ, तो साउंड बाइट की हैसियत में तो बहुत चलाई। तो ये जो कोटेशन में उसको मनोवन बयान कर दें, अगर कोई ऐसी नोटवर्दी बात कहता है, या तो कोई धमाका खेज इंकिशाफ करता है कोई, तो ये सीधा सीधा कोटेशन लीड बन जाएगी। या दूसरा तरीका ये है कि ठीक है पूरा कोटेशन में नहीं आएगा, यानी पूरा सेंटेंस जो है यहाँ से लेके वहां तक पूरा का पूरा कोटेशन में दे करके और फिर साथ में ये बयान कर दिया जाए कि फला साहब ने फला मौके पर कहा, और वो बात इतनी चौंका देने वाली है कि रीडर खुद ही उसका अटेंशन भी ग्रैब हो जाएगा, उसकी हेडलाइन भी बड़ी जूसी बन जाएगी,
सब कुछ उसका जो है ना वो इतना उसने वो मतलब, तो इसका मतलब ये हुआ कि अपनी जात में ये बहुत ही रेयर इस्तेमाल होने वाली चीज है, मगर मैं आगे जाके बताऊंगा कि नहीं ये कुछ थोड़ा सा ज्यादा इस्तेमाल होती है। ठीक है, तो डायरेक्ट कोटेशन या दूसरी कॉम्प्रोमाइज ये है कि एटलीस्ट सम पार्ट ऑफ इट इज अंडर कोटेशन। उन्होंने ऐसी धमाका खेज बात कर दी है जो बिल्कुल ही नाकाबिल यकीन है, तो उसके बाद उसका कुछ पोर्शन जो है वो विद इन कोटेशन मार्क्स है, और वो क्योंकि विद इन कोटेशन मार्क है तो हम इसको कोटेशन लीड कह सकते हैं। तो वो आ गया दूसरी किस्म की नौयत कि ठीक है पूरा जुमले के शुरू से लेकर के आखिर तक पूरा का पूरा कोटेशन मार्क में हो करके इंट्रो में आए तो वो तो कोटेशन लीड है, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता कि वो है कोटेशन लीड। तो वो कोटेशन यहाँ से वहां तक लिखी गई है, पूरा जो उन्होंने जो कुछ भी फरमाया है वो सारा का सारा लीड में डाल दिया आपने, ये कोटेशन लीड है, इसको तो डिनाई कर नहीं सकते। हाँ कुछ पोर्शन आपने अपनी तरफ से लिखा रिपोर्टर ने, कुछ पोर्शन जो है वो उनका कोट किया हुआ कोट कर दिया किसी लीडर का, ऑपोजिशन लीडर का, प्राइम मिनिस्टर का कुछ फरमाया हुआ, कुछ आपने अपने अल्फाज में लिखा रिपोर्टर ने, कुछ जो है वो कोटेशन उसकी रिप्रोड्यूस कर दी, तो ये भी लगभग बन जाता है कि भाई कोटेशन लीड है। ठीक है, अब उसकी एग्जाम्पल जो है वो ये है कि उसकी एग्जाम्पल ये है कि यूमेस्ट था, ये तो मैंने बता दिया था, इंस्पायर्ड बाय दिस स्टाइल जर्नलिस्ट हैव कम अप विद द कोटेशन लीड, बट देयर इज अ सिमिलर स्टाइल ऑफ राइटिंग इन विच द आर्टिकल न्यूज रिपोर्ट स्टार्ट्स ऑफ विद ए स्टेटमेंट बाय ए फैमिलियर एंड कंटेम्पररी इंडिविजुअल। देखिए जब आप कोटेशन लीड्स बना रहे हैं तो आप आम तौर पे पुराने वक्तों में जो गुजर गए हमारे लीडर उनको जो है कोटेशन दे रहे हैं, मगर आज के दौर में न्यूज रिपोर्ट के लिए खासतौर से बुक चैप्टर की स्टार्ट के लिए नहीं बल्कि न्यूज रिपोर्ट्स के लिए, जब आप जिन लोगों की कोटेशन इस्तेमाल कर रहे हैं, जिन लोगों के बयान आप रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, उनमें आम तौर पे वो लोग होंगे जो आजकल एक्टिव होंगे सियासत में या मईशत में या हमारे माशरे में, वो लोग एक्टिव तो कंटेम्प्रेरी होने चाहिए। ठीक है, और उन्होंने क्या फरमाया उनको जो है ना आप कोटेशन में दे देंगे। फिर एक मैंने सिनेरियो और बताया है कि इफ फॉर इंस्टेंस यू आर आस्क्ड बाय योर एडिटर टू कवर ए स्पीच मेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कहीं स्पीच करने आए हैं या चीफ मिनिस्टर कहीं स्पीच कर रहे हैं, आपका जो एडिटर है वो कहता है कि जाओ ये स्पीच को कवर करो, यू आर ए गुड रिपोर्टर एंड यू गो, मगर आपको समरी लीड के अलावा कोई लीड आती नहीं है। ठीक है, समरी लीड के अलावा आपको कोई लीड आती नहीं है तो आप अब आपके मतलब एडिटर ने आपको भेज तो दिया है और आप अच्छे रिपोर्टर हैं, मतलब ये कि अच्छे रिपोर्टर इन द सेंस कि आपका आपके आपके जो अजायम है बड़े नेक हैं, आप अच्छी रिपोर्टिंग करना चाहते हैं, बिल्कुल करना चाहते हैं, मगर आपको समरी लीड के अलावा कुछ लिखना नहीं आता, तो आप गए और आपने नोट किया कि सारा ये स्लाइड इसको पढ़ लीजिए, स्लाइड आपको समझ में आ जाएगा, उसी को बयान कर रहा हूं मैं क्या लिखा है यहाँ। अब वो आप आए उसके ड्यूटीफुली आपने सब सारे पूरी स्पीच को नोट किया है, पहले इमरान साहब ने मिसाल के तौर पे इमरान ही प्राइम मिनिस्टर हैं जिनको कि आपने कवर करने गए हैं, और आपने कंपनी की गाड़ी लेके गए, उसके बाद आप कैमरामैन भी आपके साथ था, आपने गए, वो सब चीज़ें आपने नोट की हैं कि स्पीच में पहले ये कहा फिर ये कहा फिर ये कहा, अटारी तरमीम के बारे में ये कहा, उसके बाद कोरोना के बारे में ये फरमाया और फॉरेन पॉलिसी के बारे में ये कहा और कश्मीर के बारे में ये कहा, उसके बाद सब नोट्स लेकर के आप ऑफिस पहुंच गए, अब आपको लिखना है और 1.5 घंटे में लिख करके कॉपी आपने हवाले कर देनी, ये आपका असाइनमेंट है। तो टाइम तो बहुत है, आप यू आर नॉट पुश फॉर टाइम, यू हैव एम्पल टाइम, यू कैन थिंक ओवर इट, जितना चाहे 4 घंटा सोच ले आप। डेडलाइन रात के 9 बजे हैं, अभी आपके अभी 5 बजे हैं शाम के, तो आप लिखने बैठे, उसके बाद आपने कहते हैं कि यार मुझे समरी लीड लिखनी आती है, तो पूरे वाक्य को समराइज करना है, तो पूरी स्पीच को समराइज करना होगा, इसका मतलब ये हुआ।
मगर कोई आपको कॉमन पॉइंट लग ही नहीं रहा, आप समराइज कैसे करेंगे पूरी स्पीच को? माहौल को हो सकता है कर लें, ठीक है, और यानी स्पीच के अतराफ में जो चीजें हो रही थी, जो चीज चल रही थी ब्रीफ स्पीच से रिलेटेड जो चीजें हो रही थी उसको तो चले शायद आप समराइज कर लें। अटेंडेंस ज्यादा थी, लोग एंथुजियास्टिक थे, वो तो आप समराइज कर लेंगे। जलसा बड़ा था, ऑर्गेनाइज था, ये सब आप लिख लेंगे। आपके जहन में अल्फाज घूम रहे हैं, आप कह रहे हैं कि इट वॉज ए वेल अटेंडेड वेल ऑर्गेनाइज जलसा, ये कहानी का एक पैराग्राफ तो आपके जहन में है। मगर समरी लीड, तो समरी लीड में कोई स्पीच में आपके कोई कॉमन चीज नजर ही नहीं आ रही। वो कश्मीर से लेके कोरोना से लेकर के लोकस तक सब चीजों पे बात की उन्होंने, तो समराइज कैसे होगा, कॉमन चीज कैसे होगी? या ये हो कि पूरा वक्त ही वो यानी पूरे वक्त उसको इस तरह से समराइज कर लिया जाए कि पूरे वक्त ही वो जनाब अली उन्होंने गरज बरस रहे थे वो ऑपोजिशन पे। तो अगर ऐसा है तो शायद समराइज करने का मौका मिल जाए आपको, मगर मिसाल के तौर पे ऐसा नहीं है। और वो कभी जो है वो ऑपोजिशन से रिकंसिलिएशन की बात भी करते हैं और कहीं जो है वो गरज बरस भी रहे हैं, तो मिला जुला सा तासुर छोड़ती है उनकी स्पीच आपके जहन पे। तो आप कैसे समराइज करें, क्या करें? तो आप जाएं उसके पास, एडिटर के पास अपने के, भाई देखिए समरी लीड हमें आती है, एम्स से हम जब पढ़े थे और जब हम एम्स से फारिग हो गए और जब एम्स जो है वो कोरोना की नजर होने की वजह से बंद हो गया, तब तक हमको समरी लीड पढ़ाई थी, वहीं तक पढ़ा था हमने। समरी लीड लिखनी तो आती है मगर इस स्पीच का समरी लीड बनाई नहीं जा सकती, तो हम क्या करें? किसी और से करवा लीजिए। आप एडिटर को जाके इस तरह से तो नहीं बोलेंगे हैं भाई? आप कहें कि भाई एज ए रिपोर्टर हमने जो समरी लीड लिखनी सीखी थी, क्योंकि ये समरी समराइज नहीं हो सकती स्पीच, और इसमें मुख्तलिफ नौ अंदाज के इश्यूज उठाए गए हैं, तो इसलिए हम इसको समराइज नहीं कर सकते। डिफरेंट इश्यूज क्योंकि रेज किए गए हैं इसलिए हम नहीं उठाए इसको समराइज कर सकते। तो क्या करें, किसी और से करवा लीजिए, ठीक है? हम ट्रेनिंग वगैरह थोड़े और आखिर हासिल करेंगे तो फिर शायद कर लेंगे। नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगे। आप कभी भी एडिटर के पास जाकर के ये कि नहीं कहेंगे कि मैंने शिकस्त मानी, मुझे ये लीड नहीं लिखनी आती है। और एक बात याद रखिए, आम तौर पे जितने भी रिपोर्टर्स हैं ये सेल्फ टॉट लोग हैं, ये खुद ही गिर पड़ के और उठ करके गिरे और उसके बाद कपड़े खराब हो गए, फिर कपड़ों को झाड़ते हुए खड़े हुए है? उसके बाद फिर दूसरी दफा दूसरी कहानी लिखनी चाहिए और वहां भी मुंह की खाई और गिरे और फिर कपड़े झाड़ते हुए उठे और जख्म को भी छुपाया और उसके बाद कहानी लिखी और वॉट एवर दे रोट, एंड ईच टाइम दे रोट दे लर्न समथिंग, एंड ईच टाइम दे वेंट टू देयर फ्रेंड्स हु आर ऑल्सो रिपोर्टर्स, एंड ईच टाइम दे डिस्कस समथिंग विद देम दे लर्न समथिंग, होते होते आसमान सहाफत के दरख्शंदा सितारे बन गए। कैसे? ऑन द जॉब ट्रेनिंग हासिल करते करते। तो आम तौर पे 80% लोग सेल्फ टॉट हैं सहाफत में इस वक्त, और वो मतलब गाते गाते गवैया बन गए। आप तो खुशकिस्मत है कि रिपोर्टिंग सीख रहे हैं भाई, हैं, और आपको टाइप ऑफ राइटिंग सिखाई जा रही है, इससे ज्यादा खुशकिस्मती की बात क्या है? हम तो जब 93 में सहाफत में दाखिल हुए थे तो हमको सहाफत की अलिफ बे नहीं, मुझे तो स्कॉलरशिप मिली है लंदन जाने की 2001 में। 93 से लेकर के तो 2001 तक तो सहाफत हम खुद ही सीख गए थे, तमक टोहिया करते करते सेल्फ टॉट अंदाज में एक दूसरे से सीखते हुए, सीनियर्स की झिड़कियां खाते हुए। आप तो खुशकिस्मत है कि आप पढ़ लिख के जाएंगे सहाफत में। तो अब आप ये अपने एडिटर को जाके नहीं कह सकते कि भाई मुझसे नहीं होती समरी लीड, मुझे आती है समरी लीड, इस कहानी की समरी लीड नहीं हो सकती इस स्पीच की।
तो आप फिर सोचते हैं अच्छा तो फिर क्या करूं मैं जा करके, तो एडिटर को ये नहीं कह सकता कि मैं शिकस्त यानी हार मानता हूं या हार मानती हूं, आप नहीं कह सकते। अब व्हाट डू यू डू? आपको जो है सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात लगती है जो इंकिशाफ किया है इमरान ने या जो ऐलान किया है इमरान ने, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको लगता है, आप उससे लीड ऑफ कर दें, यानी उसको लीड में लिख दें, फर्स्ट पैराग्राफ में लिख दें। नेचुरली आप ऐसा ही करेंगे, आप फर्स्ट पैराग्राफ में जो आपको तकरीर में सबसे ज्यादा स्ट्राइकिंग बात लगी, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी से मुतालिक है, चाहे वो कोरोना से मुतालिक है, जो भी आपको सबसे एक्स्ट्रॉर्डिनरी बात लगी, आपके दिल के करीब गई, जो बात आपको छू गई, या आपने ये समझा कि ये जब रीडर पढ़ेगा तो उसको अच्छी लगेगी या बुरी लगेगी, या बहुत जो आउटस्टैंडिंग बात है उससे आपने इंट्रो बना दिया, और साथ में ये लिख दिया कि ये इमरान खान ने कल तकरीर करते हुए फरमाया है, तो ये क्या है? ये कोटेशन डीड बन गई। ये कोटेशन ना कहें तो इमरान खान की स्टेटमेंट लीड बन गई। इमरान खान की स्पीच के ऊपर जो कहानी बनी उसमें आपने ये कहा कि सबसे जो इंपॉर्टेंट स्पीच का हिस्सा था उस पे बेस करते हुए, उस जुमले पे बेस करते हुए एक जुमला दाग दिया, लिख दिया, दागना जो है गलत है, मतलब तंजिया लगता है आपको, एक जुमला आपने उस जुमले के मुतालिक लिख दिया जो इमरान ने सबसे स्ट्राइकिंग बात कही अपनी स्पीच में, उसके ऊपर एक जुमला आपने लिख दिया, तो ये स्टेटमेंट लीड बन गई मेरी नजर में। अब ये कोटेशन लीड से कुछ कुछ मिलता जुलता है, कोटेशन लीड से यूं मिलता जुलता है कि अगर विद इन कोट्स है वो तो बिल्कुल ही कोटेशन लीड हो गई, अगर वो जुमला ऐसा है जैसा कि असलम रईसानी साहब का मैंने बताया, ऐसी कोई अचंभे वाली बात है या ऐसी कोई रिमार्केबल बात है कि भाई वो बिल्कुल वर्बटिम जिसको कहते हैं, और कोट अनकोट इमरान की कोई ऐसा जुमला है जो कोट अनकोट आप लिख सकते हैं, तो जुमला उसी से स्टार्ट करें, कोटेशन लीड बन जाएगी, आपकी कहानी बन जाएगी, रिपोर्ट बन जाएगी। नहीं तो अगर आपको लिखना पड़े और कुछ थोड़ा आपने लिखा, कुछ इमरान की बात को दोहरा दिया और कुछ जो है ना, तो ये स्टेटमेंट लीड टाइप की कुछ चीज बन जाती है, ये मलबूबा टाइप की चीज बन जाएगी, जिसको हम इत्मीनान से स्टेटमेंट लीड कह सकेंगे कि भाई ये बयानिया वो है जो इमरान का बयानिया है, इन्होंने कल स्पीच में ये फरमाया है, तो ये हम इसको, क्योंकि कोई और टर्म इसको दें इससे अच्छा है कि इसको स्टेटमेंट लीड कहें, कि भाई ये लोगों की स्टेटमेंट जो आती है और जो हमारे अखबारों में बहुत ज्यादा कवर होती है, अनलाइक अदर न्यूज़पेपर्स इन द वर्ल्ड, क्योंकि स्टेटमेंट लीड मुझे बहुत नजर नहीं आती है दुनिया में, मतलब उतने नहीं है जितने पाकिस्तान में, पाकिस्तान में तो ज्यादा स्टेटमेंट लीड को ज्यादा अहमियत दी जाती है, और क्योंकि ज्यादातर लोग एक दूसरे से, यानी हम लोग बतियाते ज्यादा है, यूं समझ लीजिए, काम कम करते हैं, बतियाते ज्यादा हैं, बातें ज्यादा करते हैं, बयान ज्यादा दागते हैं, तो स्टेटमेंट लीड भी ज्यादा आती है, हमारे साफियों का नौयत भी ऐसी है और हमारे सियासतदानों की भी नौयत यह है कि स्टेटमेंट लीड जो है ना हमारे यहाँ बहुत लिखी जाती है। तो कोटेशन लीड से मिलता जुलता एक सिंफ है जिसमें कि आप किसी के बयान को, किसी के स्पीच को, किसी के ललकार को, किसी के धमकाने को, किसी के ऐलान को, किसी के बयान को, किसी के डिफेंस को, अगर वो अथॉरिटी में है या ऑपोजिशन में है या गवर्नमेंट में, कहीं पे किसी के डिफेंस को, किसी की अपील को, कोई खातून अपील करती है और वो वेल नोन है और वो अपील करती है कि कोरोना की वजह से मैं गरीब हो गई तो मैंने अपील किया है, तो शायद वो भी आप समरी लीड में रखें, ये सॉरी कोटेशन लीड में या स्टेटमेंट लीड में रखेंगे। तो इस तरह के जो वाकयात हैं कि जो मतलब ये कि समराइज नहीं हो सके या जो जिनकी समरी नहीं हो सकती, या पूरी प्रेस रिलीज पढ़ डाली आपने, प्रेस रिलीज जारी की है के इलेक्ट्रिक ने मिसाल है, या PIA ने जारी की, अब आप किसी एक नुक्ते पे उसको समराइज नहीं करते स्टेटमेंट को,
तो आप ये कहते हैं कि बट ठीक है, एक कोई इम्पोर्टेंट बात लगी आपको, जैसे कि के इलेक्ट्रिक का वो है, के इलेक्ट्रिक का स्टेटमेंट है प्रेस रिलीज में, बहुत सारी बातें की गई हैं उसमें, जो है वो कहा गया है कि कल भी लाइट जाएगी, परसों भी लाइट जाएगी, तरसों भी लाइट जाएगी, और उसमें जो है वो कल के लिए जो है वो डिफरेंट रीजन दिया है, परसों के लिए कुछ और रीजन दिया है, तरसों के लिए कुछ और। अगर वो समराइज किया जा सकता तो समरी लीड बन जाएगी, अगर समराइज नहीं किया जा सकता तो उसमें किसी एक पॉइंट को लेकर के कि भाई कल जाएगी 2 घंटे के लिए, परसों जाएगी 4 घंटे के लिए, मगर तरसों जो है वो 8 घंटे के लिए लाइट जाएगी पूरे कराची में। तो आपने कल परसों का तो छोड़ दिया ना, आपने 8 घंटे जिस दिन लाइट जाएगी वो आपने वहां से बात को उठाया और उसने कहा कि भाई ये तो के इलेक्ट्रिक ने आज ऐलान किया है कि फला तारीख को 8 घंटे के लिए लाइट जाएगी, बाकी 2 दिन तो छोड़ दिया आपने। कोई अगर इंटरेस्टिंग आदमी है, कोई इतना क्रिएटिव आदमी है कि 3ों दिन को समराइज कर सके, तो वो कर लेगा, समरी लीड बना लेगा। आपकी समझ में ये आया कि आपने कहा कि नहीं 8 घंटे वाला इम्पोर्टेंट है, सिर्फ वो मेंशन करता हूँ इंट्रो में, आपने इंट्रो में वो मेंशन कर दिया है फर्स्ट पैराग्राफ में, तो आपकी जो है वो एक तरह से मतलब समरी तो नहीं बनी ना, आपने तो एक चीज कोटेशन उठा ली वहां से, केसी के एक कोटेशन को उठा लिया है, तो ये स्टेटमेंट लीड हो गई या उससे मिलती जुलती चीज होगी। अब ये एग्जाम्पल देख लेते हैं, 3 एग्जाम्पल्स लिखे हैं मैंने, ये डायरेक्ट कोट है। आईड लाइक टू जेल पेरेंट्स देमसेल्व्स हु आर सो लैक्स देयर किड्स आर बूस्टिंग द क्राइम रेट। मैं उन वालदैन को जेल में डालना चाहता हूं वो जो इतने लेजी हैं कि उनके बच्चे क्राइम रेट को बढ़ा रहे हैं, मतलब ये कि वो अपने बच्चों को कंट्रोल ही नहीं करते। ऑब्वियसली ये जो है ना पाकिस्तान का नहीं है बल्कि ये अमेरिका का है। आईड लाइक टू जेल पेरेंट्स देमसेल्व्स, मैं तो पेरेंट को ही जेल में डाल दूं जो इतने लेजी हैं, सो लैक्स या रिलैक्स हैं या मतलब इनएक्टिव है, कि उनके बच्चे जो हैं क्राइम रेट को बढ़ा रहे हैं, वो बच्चों को कंट्रोल करते नहीं और वो बच्चे जो हैं क्राइम रेट को बढ़ाए जा रहे हैं। तो जुबिनाइल केसेस जो बहुत सारे होते हैं, जुबिनाइल मतलब ये कि अंडर एज या अभी पूरी तरह से एडल्ट नहीं हुए हैं, टीनेजर हैं या बच्चे हैं और फिर भी क्राइम में इन्वॉल्व हैं, उनके बारे में कोई जज साहब हैं, दिस स्टेटमेंट केम फ्रॉम जुवेनाइल कोर्ट जज वॉरेन जोन्स इन रिलीजिंग ए रिपोर्ट ऑन द रैपिड राइज इन जुवेनाइल क्राइम रेट इन दिस सिटी। उन्होंने कोई रिपोर्ट लिखी है या उनसे रिपोर्ट के ऊपर कोई कमेंट किया है कि जिसमें उन्होंने ये कहा है कि भाई मैं तो इतना तंग आया हुआ हूँ कि मैं उन पेरेंट्स को ही जेल में डाल दूँ, तो ये डायरेक्ट कोट है, तो ये कोटेशन लीड हो गई। अब स्टेटमेंट लीड पूरी तरह से, ये दूसरा वाला जो है ये पूरी तरह से कोटेशन नहीं है क्योंकि यानी वर्बटम नहीं है, यानी कोट कोट अनकोट नहीं है, मगर है उसी कबीले का। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी व्हाइल रेफरिंग टू द वायलेंट फेस ऑफ विद चाइनीज फोर्सेस ऑन द डिस्प्यूटेड हिमालयन बॉर्डर दैट लेफ्ट 20 इंडियन सोल्जर्स डेड सेड इंडिया गेव ए बिफिटिंग रिस्पॉन्स टू दोज हु आइड इन द इंडियन टेरिटरी। वो कितना बेवकूफ बना रहे हैं। इंडियन प्राइम मिनिस्टर व्हाइल रेफरिंग टू द फेस ऑफ, यू करें इंडियन प्राइम मिनिस्टर व्हाइल रेफरिंग टू द वायलेंट फेस ऑफ विद चाइनीज फोर्सेस दैट लेफ्ट 20 इंडियन सोल्जर्स डेड, क्या कहते हैं, सेड इंडिया गेव ए बिफिटिंग रिस्पॉन्स टू दोज हु आइड इंडियन टेरिटरी। जो इंडियन टेरिटरी की तरफ देख रहे थे उनको शाफी जवाब दिया हमारे फोर्सेस ने, उससे पहले राइटर ने तंज के तीर बरसा दिए थे कि उस वाकये के बारे में जिस वाकये में उनके 20 आदमी मरे इंडिया के, इंडियन प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि हमने शाफी जवाब दिया है। तो इसमें आप देखेंगे जगह जगह पूरे पूरा स्टेटमेंट, यानी पूरा जो पैराग्राफ है वो उसी स्टेटमेंट के बारे में जो नरेंद्र मोदी ने चाइना के साथ
तसादुम में जिसमें कि 20 आदमी इंडिया के मर गए, उसके बारे में वो बात कर रहा है, किसी और चीज के बारे में बात ही नहीं कर रहा है। तो इट इज ओनली फोकस्ड ऑन द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ दिस न्यूज रिपोर्ट। दिस इज द फर्स्ट पैराग्राफ जो कि मैंने यहाँ रिप्रोड्यूस किया है। ये फर्स्ट पैराग्राफ सिर्फ उस वाकये के बारे में है जिसमें कि 20 इंडियन शहीद हुए, और फिर भी जिसके बारे में नरेंद्र मोदी ये कह रहा है कि हमने देखो ना कितना भरपूर जवाब दिया है, हालांकि 20 आदमी इनके मारे गए इंडिया के, बिफिटिंग रिस्पॉन्स। तो ये लिखने वाले का अंदाज भी थोड़ा तंजिया इस तरह से है कि एक तरफ वो आयरॉनिक लिख रहा है कि इस ऐसे वाकये पे बात करते हुए इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर एक ऐसे वाकये पे जिनमें के 20 इंडियन फौजी शहीद हुए, उसके बारे में कह रहे थे कि देखो हमने उन लोगों को जो कि हमारी टेरिटरी की तरफ मैली आंखों से देख रहे थे कितना भरपूर जवाब दिया। तो ये टोटली बिकॉज द इंटायर पैराग्राफ इज अबाउट नरेंद्र मोदी के स्टेटमेंट के बारे में, व्हाट नरेंद्र मोदी सेड अबाउट द क्लैश बिटवीन इंडियन एंड चाइनीज फोर्सेस एट द बॉर्डर। बिकॉज दिस इंटायर पैराग्राफ इज अबाउट ए सेंटेंस दैट नरेंद्र मोदी अटर्ड अबाउट दैट क्लैश इन विच 20 इंडियन सोल्जर्स वर किल्ड, दिस इज स्टेटमेंट लीड। कोटेशन लीड पूरी तरह से ना कहें इसको तो भी उसी कबीले की बात है, क्योंकि पूरा स्टेटमेंट शुरू से लेकर आखिर तक एक बयान पे मुनसिर है, एक बयान के बारे में जो नरेंद्र मोदी ने दिया किसी वाकये से मुताल्लिक, इसलिए इसको स्टेटमेंट लीड या कोटेशन लीड भी कह लें, लूसली तो कोटेशन लीड है ये, वो के पूरा कोट अनकोट नहीं है, यानी शुरू से लेकर आखिर तक कोट अनकोट नहीं है, उसमें रिपोर्टर ने अपने अल्फाज भी डाले हैं, मगर कोटेशन इसकी ये भी है कि जहां से बेफिटिंग रिस्पॉन्स है, जहां से बेफिटिंग रिस्पॉन्स है और टेरिटरी तक, ये तो अनकोट है ना, कोट अनकोट। तो ये स्टेटमेंट लीड इस तरह से मेरी नजर में, क्योंकि मुझे जो जितने भी मैंने वो स्टाइल्स ऑफ राइटिंग में देखा, तो मुझे मुझे ये मिला कि समरी लीड तो ठीक है हमारे यहाँ बहुत इस्तेमाल होती है, मगर एक एक नई सिंफ भी है जो कि कोटेशन से मिलती जुलती है, उसको क्यों ना स्टेटमेंट लीड का नाम दे दिया जाए और बताया ये जाए कि उस लीड में उन चीजों को, उन खबरों को जो कि किसी की बयान से आते हैं, ऐसे खबरें बहुत सारी ऐसी खबरें हैं, 20-30% हमारे यहाँ अखबारों अखबार भरे पड़े हैं उन बयानों से जो कि या तो अपोजिशन लीडर दे रहे हैं, कोई ना कोई पॉलिटिशियन दे रहा है मतलब, और इवन कोर्ट रिपोर्टिंग में जज जो फरमाते हैं वो भी, तो इस लीड को क्या कहेंगे। तो मेरे पास तो कोई जवाब नहीं था, मैंने कहा हाँ इस कोटेशन से मिलता जुलता कुछ कोई सिंफ है, तो इसको यूं समझ लें कि ये स्टेटमेंट लीड है, कोटेशन की छोटी बहन स्टेटमेंट लीड। इस सिंफ को मैंने मतलब ये कि जो मुरव्विजा स्टाइल ऑफ राइटिंग में हमारे यहाँ बहुत सारी मतलब समरी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है और स्टेटमेंट लीड बहुत इस्तेमाल होती है, ये वाली बयानबाजी जाए, तो ऐसे में क्या करें मतलब ऐसी इस बयानबाजी या लीड को जो ना ये बयानिया जहां अपना यानी पार्टी का बयानिया या कोई अनाउंसमेंट या इनको कैसे कवर करें, तो इसको कौन सी लीड कहें, ऐसी लीड कौन सी है, उस लीड का क्या नाम है जिसमें के अनाउंसमेंट की जाती है कि इन्होंने ये कहा, कल प्रेस के सामने चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह ने ये कहा, तो ये कौन सी सिंफ होगी, लेट्स कॉल दिस स्टेटमेंट लीड, कि वो स्टेटमेंट। और ये बहुत सारी बयानबाजी जो है हमारे यहाँ जो चल रही है, किसी ने कहा कि वो ये भी बयान दे दिया कि भाई वो किसी ने मतलब तंज करते हुए, यानी एक दूसरे पर तंज के डोंगरे बरसाते हैं जो,
अपोजिशन पोजीशन पे, अपोजिशन अपोजिशन पे, यानी रूलर्स अपोजिशन पे तंस के डोंगरे बरसाते हैं और वो जो है उसका जवाब देते हैं। तो उन उस सिंफे यानी सिंफे सहाफत को क्या कहेंगे जो कि जिसमें कि ये बयान बयानबाजियां कवर हो रही हैं, उसको क्या कहा जाए? स्टेटमेंटली कोटेशन के करीब करीब। कोटेशन में तो भाई एमए जिना और अल्लामा इकबाल के पूरे पूरे संजीदा कोटेशन जो है ना बाकायदा रिप्रोड्यूस होते हैं बुक चैप्टर्स की के टॉप पे, या कुरानिक वर्सेस, उससे डिराइव्ड कोई चीज है जिसमें के बयान लोगों के कवर होते हैं। तो ठीक है इस, अच्छा इंडियन प्राइम मिनिस्टर वाला हो गया, एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन पेट्रोलियम, ये तीसरा एग्जाम्पल जो है, एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन पेट्रोलियम नदीम बाबर said on Saturday that there was sufficient evidence to show that oil marketing companies and petrol pump owners were storing oil. ठीक है, बस यहीं तक समझ लें आप कि बाकायदा स्टोर कर रहे हैं भाई, होल्डिंग कर रहे हैं, होल्डिंग, जखीरा अंदोजी। कौन? पेट्रोल पंप के मालकान। लोग बेचते नहीं है इस उम्मीद पे कि अभी जो सस्ता हमने पेट्रोल मंगाया है ये अभी कम बेचो, जब ये तेल महंगा हो जाएगा तो ज्यादा बेचेंगे, जी भर के बेचेंगे, अभी कम कम बेचो। मतलब ये है कि जो सस्ता सस्ता तेल खरीदा है ये थोड़ा बचा के रखो, आइंदा महंगा बेचने में काम आएगा। क्यों? क्योंकि भाई पैसा कमाने के तो बैठे, सारा बिजनेस ही का है, क्या है? पैसा कमाने का। तो नदीम बाबर कह रहे हैं, जो कि एडवाइजर है प्राइम मिनिस्टर के, वो ये कह रहे हैं कि देयर इज सफिशिएंट एविडेंस टू शो दैट ऑयल मार्केटिंग कंपनीज एंड पेट्रोल पंप्स आर होल्डिंग ऑयल विद द एम ऑफ मेकिंग मनी लेटर ऑन। तो ये बयानबाजी ये किस जुमरे में, किस सिंफ के तहत लिखी जाएगी? ये तो मैंने आपको वर्बटम कोट किया है ना डॉन से, और डॉन में वही जून 28 की तारीख है और पेज वन की स्टोरी है। नरेंद्र मोदी वाली भी डॉन.com पे थी, ठीक है, वो सोर्सेज में मैंने, सही है। तो एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन पेट्रोलियम एडमिट कर रहे हैं, इस एडमिशन में तो बहुत सारी चीजें हैं कि वो तो इस चीज को, और वो देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि हाँ ठीक है होल्डिंग हो रही है। और जब हुकूमत वक्त ये ऐलान करे कि होल्डिंग हो रही है तो एक तरह से एडमिशन भी है कि भाई हम कुछ कर नहीं सक रहे हैं, रोक नहीं सक रहे हैं इसको। मगर वो तो वो एडमिशन है या नहीं है वो तो रीडर डिसाइड कर लेगा ना खुद ही। मगर बहरहाल उन्होंने जब ये कहा कि भाई होल्डिंग कर रहे हैं तो ये खुद ही इतना, मतलब ये कि इंटरेस्टिंग है या अचंभे वाली बात है या कि इसको जो है वो सीधा रीडर ने कोट अनकोट में नहीं इस्तेमाल किया है, मगर ये कि अपने अल्फाज में लिख दिया उन्होंने जो कुछ कहा। ये अच्छे खासे शवाहिद मौजूद हैं कि वो ये होल्डिंग कर रहे हैं, ये कोटेशन लीड हो गया या स्टेटमेंट लीड तो जरूर है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है कि भाई आप अच्छा, अब मेरा ऑब्जर्वेशन एक जरा सा है और ये छोटी सी स्लाइड है, इसके बाद लेक्चर खत्म कर देंगे और बाकी लीड्स जो हैं पांच वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। और वो ये कि मेरा अंदाजा ये है कि समरी लीड और स्टेटमेंट लीड, समरी लीड या कोटेशन ऑब्लिक स्टेटमेंट लीड, ये हमारे यहाँ न्यूज रिपोर्टिंग में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले असनाफ हैं लिखने के। रिपोर्टर को अगर ये दो तरीके आ गए रिपोर्ट लिखने के, फर्स्ट पैराग्राफ लिखने के, तो वो 99% रिपोर्टर बन गया, यू समझे। सो In order to become a good reporter in Pakistan, you have to learn these two state two types of leads. Summary lead कैसे लिखी जाएगी और statement lead यानी बयानबाजी कैसे लिखी जाएगी। किसी ने किसी पे तंस के डोंगरे बरसाए, तंस के तीर चलाए,
वो कैसे लिखे जाए लिखा जाएगा, और किसी ने डिफेंड किया अपने आप को वो कैसे लिखा जाएगा, ये चीज़। और दूसरे जो इनकशाफात जो लोग अपने बयान में कहते हैं और प्रेस रिलीज में भी कह सकते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं और तकरीरों में कहते हैं और रिपोर्टर्स के सामने माइक के सामने जो जिस तरीके से मरियम औरंगज़ेब जवाब देती हैं PMLN की तरफ से और यहाँ से PTI की तरफ से मुख्तलिफ लोग, यानी वो पंजाब में है चौहान साहब, वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, शिबली फराज है फेडरल गवर्नमेंट में, वो जिस तरह से गवर्नमेंट को का बयान देते हैं, तो इन सब चीज़ों पे जिस तरीके से स्टेटमेंट लीड लिखी जाती है या कोटेशन लीड लिखी जाती है और प्लस समरी लीड लिखी जाती है, ये दो तरीके ऐसे हैं, दो लीड्स ऐसे हैं कि जो 99% रिपोर्ट्स को कवर कर लेते हैं, बाकी जितनी 99 नहीं तो 95% तो कर ही लेती हैं, बाकी जो लीड्स होती हैं जो कि आइंदा पढ़ाई जाएंगी उनमें कंट्रास्ट है, कंपेयर है, क्वेश्चन है और भी जिस अंदाज में एनेक्डोटल लीड है, स्टैकेटो लीड है, ये सब जो है ना 5% में आ जाते हैं, समा जाते हैं। मगर वो जो ये बाकी 5 लीड जो है लिखने के अंदाज जो है, मतलब जो आज हम इस लेक्चर में नहीं पढ़ रहे हैं और इस लेक्चर में एम्फेसाइज सिर्फ इन दो लीड्स को किया जा रहा है कि समरी लीड क्या है और स्टेटमेंट लीड क्या है या कोटेशन लीड क्या है, इसके अलावा जितने भी आपके लीड्स हैं उसको हम आइंदा अगले लेक्चर में पढ़ेंगे और इस बात का ख्याल रखेंगे कि वो जो लेक्चर्स वो ज़्यादा वो स्टाइल्स लिखने के ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होते हैं न्यूज़ राइटिंग में, मगर फीचर राइटिंग में, कॉलम राइटिंग में, मैगजीन के लिए राइटिंग में, वेब के लिए इंटरेस्टिंग बनाने के इंटरेस्टिंग अंदाज में लिखने के वो जो तरीके हैं आइंदा जो हम सीखेंगे वो कमेंट में न्यूज़ में इतने कॉमनली यूज़ नहीं होते मगर फीचर राइटिंग में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं और मैगजीन्स में और वेबसाइट्स के ऊपर। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं और काफ़ी तवील ये लेक्चर भी हो गया, तो ठीक है, मैं उम्मीद है मेरी कि समझ में आ रहा होगा जो भी मैं जिस अंदाज में इसको पढ़ा रहा हूँ। अगर समझ में आपके नहीं आता है कोई इशू, आप तिश्ना रह जाता है आपके ख्याल में, तो आप फ़ोन करें और हम बिल्कुल ज़रूर जवाब देंगे और मेरे नंबर्स वगैरह मैंने जो है वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे हमने लिख दिया है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।